तो अब देखिए इसमें आगे हम इसमें ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कौन के मिरर के ग्राफ, उसी ग्राफ में एक दो चीजें छोटी छोटी और मुझे ऐड करनी है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था, ये U था यहां पर और ये V था, और इसमें ये दो लाइन हमने खींची थी, मैंने बताया था ये एसिम्प्टोट है, और इसमें ये जो पॉइंट है ये माइनस एफ है और ये वाला पॉइंट भी माइनस एफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था तो वो ग्राफ ऐसे आया था, और दूसरा पार्ट इसमें ये इस तरह से आया था, और ऐसे होते हुए ये यहाँ निकल गया था, जिसमें ये वाले पार्ट को मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया था थोड़ा सा अलग करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बता दिया था, इस ग्राफ को लेके मैं थोड़ा सा और एक दो चीजें जो बताई थी उनको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा आपके नोटिस में आए। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली बुक्स में ये ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है ये नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट ही दिया रहता है, और वो पार्ट रियल ऑब्जेक्ट के लिए है क्योंकि यू नेगेटिव है। एक बात तो मैंने ये बताई थी, पूरा ग्राफ ये है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इधर थोड़ा जगह कम है, नहीं तो ऐसे करके इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं इसके जैसा ही, थोड़ा जगह कम रहेगी, या फिर हम इसको इस साइड में, क्योंकि ये क्वाड्रेंट तो बेकार जा रहा है तो इसको थोड़ा इधर पुश कर सकते थे, बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में मैंने आपको ये भी कहा था कुछ किताबों में ये ग्राफ में साइन कन्वेंशन नहीं दिए गए हैं, और बिना साइन कन्वेंशन के ही इस ग्राफ को बना दिया गया है, यानी पूरा ग्राफ इधर वाला इस साइड में ना आके इस पूरे ग्राफ को पलट के इधर दिखा दिया गया है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना आप। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे हों, ये वाला भी दिया हो और वो जो मैं किताबों में बता रहा हूँ कभी कभी वो भी मिल जाता है, वो भी दे रखा हो, तो सही कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये मेरी एक एडवाइस है, किताबों में जरूरी नहीं हर चीज जो बुक्स में आप पढ़ते हो जरूरी नहीं वो सही हो, ये आप भी जानते हो, बुक्स में भी मिस्टेक्स होती हैं, क्वेश्चन भी कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, कई बार ऑप्शन में गलतियां हो जाती हैं, कई बार थ्योरीज में भी क्वेश्चन में थ्योरी जो दे रखी है बुक पैकेजेस वगैरह में तो उनमें भी आपने देखा है मिस्टेक्स रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किताबें हैं तो वो यूनिवर्सल, उनमें जो लिखी गई है वो हमेशा ट्रू होती है, या वो जो चीजें उनमें मिस्टेक हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो ये वाला पार्ट इधर बना होगा, अगर सिंगल वही ग्राफ दे रखा है तो फिर ठीक है वही टिक कर दें, दोनों दिए तो ये सही। इसमें भी ये वाली पार्ट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, बताया था ये आपका रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, और कब होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस से दूर होगा, ठीक है। तो इमेज भी फोकस से दूर बनेगी, रियल बनेगी, हालांकि बड़ी छोटी हो सकती है, ये कल जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था उसी चीज को मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये जो रीजन था, इस रीजन में हम देखें तो ऑब्जेक्ट तो रियल ही है, फोकस और पोल, ये जो ओरिजिन है इसे आप पोल भी कह सकते हो, पी कह सकते हो पोल, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम पोल से नाप रहे हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ओरिजिन जहां है वहां पोल है, या मैं कहूँ पोल पे हम ओरिजिन मान सकते हैं, जहां मिरर रखा है कोई सा भी मिरर हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां पर ये पोल हो गया, तो ऑब्जेक्ट रियल ही है अभी भी, लेकिन फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल बनी, और आप देख सकते हैं काफी बड़ा साइज आएगा, बी की वैल्यू का कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर इधर आ गए थे, इसमें मैंने लिखा भी दिया था आपको लास्ट क्लास में, ये वाला पार्ट में यू पॉजिटिव है, और यू पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, इमेज कैसी है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है, लेकिन वी नेगेटिव है तो इमेज कैसी हो गई, रियल हो गई, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। और आप देखिए यू पे कोई बाउंडेशन नहीं, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखें लेकिन इमेज यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, इसलिए इस रीजन में ही बनेगी, माइनस एफ और पी के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में ही इमेज बनेगी, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में छोटी बनेगी, रियल बनेगी लेकिन छोटी बनेगी, रियल बनेगी लेकिन छोटी बनेगी, तब जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ग्राफ को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, और जब ग्राफ आप अच्छे से एनालाइज कर लोगे तो क्वेश्चन भी इजीली करे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए इतना डिस्कशन किया, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 0,0 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे इस वाले पॉइंट के, तो आप यहां से देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट -f, -f हो जाएंगे। यहां से एक लाइन अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाता जाऊं, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा, पता है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे इसके तो हो गए -f, -f, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा
कि ऑब्जेक्ट को आपने माइनस एफ पे रखा और इमेज माइनस एफ पे बन जाए, ऐसा पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट माइनस एफ पे रखा और इमेज माइनस एफ पे बन जाए, यानी फोकस की इमेज फोकस पे नहीं बनती। लेकिन ये एक एक्चुअल में इस कर्व पे ये पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ है, क्या है। लेकिन इस लाइन पे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे एक्स और वाई या यू और वी, उनकी वैल्यू सेम आएगी, जैसे जीरो जीरो, माइनस एफ माइनस एफ। तो ये पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो, क्या बता सकते हो ये पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन हाँ बोलो यस, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ग्राफ आ गया और इसमें यहाँ पॉइंट का नाम सपोज क्यू कह दिया तो पूछ लेगा क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें यू और वी की वैल्यू सेम आती है, ठीक है, इस पूरे कर्व में या इस पूरे कर्व में यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें यू और वी की वैल्यू सेम आती है। हालांकि कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि पोल की इमेज पोल पे बन रही है तो ये भी तो पॉइंट है, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको शो नहीं करते। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, वो लाइन आप देख ही रहे, जीरो कॉमा जीरो, माइनस एफ कॉमा माइनस एफ, और ये माइनस टू एफ कॉमा माइनस टू एफ हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज और मुझे बतानी थी, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ये और आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं अब, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, इसके बाद आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, आगे मैं आता हूं। इसके बाद कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, कॉनवेक्स मिरर के लिए, ठीक है, और उसमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे। और यहां एक चीज आपके दिमाग से बिल्कुल हटाना चाहूंगा कि ये एक जनरल परसेप्शन होता है कि कॉनवेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ये आधा सच है। आधा सच इसलिए क्योंकि कॉनवेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटी यानी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये बात हमेशा सही है कि रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बनेगी, लेकिन क्या कभी कॉनवेक्स मिरर रियल इमेज भी बना सकता है? हाँ बना सकता है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। सवाल ये नहीं है कि हर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज देगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में भी कुछ खास पोजीशन होंगी जिसके लिए इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। अब ये ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो क्वेश्चन अच्छे सवाल जब आते हैं तो वहां बाल की खाल खींची जाती है, यानी छोटी छोटी चीजें जो बच्चा पैकेज में पढ़ के आता है या कोचिंग में पढ़ के आता है उससे थोड़ा सा जिस बच्चे ने डीपली पढ़ा होगा चीजों को समझा होगा, जैसे मैग्निफिकेशन को लेके कल मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक जनरल परसेप्शन यही होता है कि रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब सही है जब सिंगल रिफ्लेक्शन का केस बने, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट रियल हो तभी है। वो मैंने आपको कल एग्जांपल से रियलाइज करा दिया था, आई होप कि मेरी बात समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये आपने ग्राफ अगर बना लिया तो मैं इसको तो रब कर रहा हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल जो टेबल बनाई थी बिल्कुल वैसी ही टेबल होगी, वही पांच कॉलम होंगे, ठीक है, लेकिन केसेस बनेंगे सिर्फ दो कॉनवेक्स मिरर के लिए। तो मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ, पहला कॉलम थोड़ा बड़ा, उसके बाद ठीक है कॉलम थोड़ा छोटे बना सकते हैं। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा, रटने का काम तो नहीं है, बस हाँ ये है कि इसमें आप चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। मैंने भी कहा था कि आपको रटना वटना तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ चीजों को ध्यान रख सकते हैं आप। नाउ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज, फिर इसमें हमने नेचर ऑफ इमेज लिखा था, शायद नेचर ऑफ इमेज का मतलब एम का साइन दैट इज माइनस बी बाई यू, और इसके बाद था आपका नेचर के बाद साइज था, शायद साइज ऑफ इमेज, और साइज में हम मॉड एम की वैल्यू देखते हैं कि ये बड़ी है एक से के छोटी है, और फिर इसके बाद लास्ट है स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, और स्पीड ऑफ इमेज में वी आई माइनस का एम टी स्क्वायर टाइम्स वी यू था, ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और अब जो केस है यहाँ पे नीचे लिखो तो नीचे लिख लो या ऊपर हेडिंग डाल देना कॉनवेक्स मिरर, मैं यही लिख देता हूँ कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनवेक्स मिरर, अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा,
ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको और इधर खिसका लेता हूं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें ये पोल है, यहां ये फोकस है और ये सेंटर है। अब देखिए इसमें इधर सामने की साइड में कोई फोकस और सेंटर वगैरह नहीं है, हाँ ये माइनस इन्फिनिटी इधर और आप इधर फिर प्लस इन्फिनिटी कह सकते हो। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट जो होगा उसके लिए सिर्फ दो पोजीशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट केस यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस इसमें एट माइनस इन्फिनिटी, एक पोजीशन तो ये हो गई माइनस इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी। दूसरी जो पोजिशन होगी वो माइनस इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। अब ये पिछले जैसे केस नहीं है, कौन के मिरर जैसा केस नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में, या एफ और पी के बीच में, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं हो सकता है। तो अब एट माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, अगर माइनस इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी इमेज, तो कहाँ बनेगी, मैंने आपको बताया था वो जो चार रेंज बताई थी, तो इसमें पोजिशन ऑफ इमेज में आ जाएगा एट एफ, लेकिन ये एफ यहाँ है, ध्यान रहे यहाँ है, तो मिरर के पीछे बनी इमेज, कहाँ बनी, मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे बनेगी तो कैसा नेचर हो जाएगा और कैसा साइन हो जाएगा, एम का पॉजिटिव साइन आएगा, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट रियल है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे चाहो तो आप वैल्यू रख सकते हो, माइनस वी की वैल्यू पॉजिटिव और यू की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, माइनस का वी अपॉन यू है, ये माइनस तो है ही, वी की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि इमेज इधर बनी है और U की वैल्यू नेगेटिव, तो ओवरऑल M पॉजिटिव आ गया। तो M पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी होगी, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, M की वैल्यू पॉजिटिव है, ये इसी के लिए है, ध्यान रखना। और ये कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। और अब साइज की बात कर लेते हैं, तो आपको वैसे अंदाजा लगी गया है साइज कैसा होगा, यहाँ पर इमेज यहाँ इतने डिस्टेंस पे बन रही है और ऑब्जेक्ट काफी दूर है, तो V और U का जो साइज आएगा या रेशियो आएगा, मैं कहूँ V और U का जो रेशियो आएगा वो रेशियो काफी छोटा होगा, तो यहाँ पे भी मॉड M की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, यानी इमेज का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। ये जो M है वो कौन सा M है, एम टी वाला है, तो एम टी काफी छोटा हो गया, उसका स्क्वायर भी छोटा होगा और वी आई की वैल्यू भी वेरी स्मॉल आ जाएगी, यानी इमेज की स्पीड बहुत कम होगी। ठीक है, ये माइनस साइन वहां पे भी था, आपको याद हो, दिख रहा होगा ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट इधर चलना शुरू करे, इधर चलना शुरू करेगा तो सेकंड केस बनेगा, और वो सेकंड केस होगा बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड पी, कहाँ पे होगा, माइनस इन्फिनिटी और पी के बीच में। तो आप मुझे बताइए, वहां से हमें पता लग रहा है इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो फोकस पे थी पहले, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगी कि नहीं आएगी, बताइए, इधर आएगी कि इधर जाएगी, लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी, लेफ्ट में। तो एक चीज तो पक्का हो गई कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं भी हो इमेज इधर ही आने वाली है, इधर तो आने का सवाल ही नहीं है। तो एक चीज और कंफर्म हो गई कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कभी भी फोकस से दूर बन ही नहीं सकती। इसका मतलब इसी रीजन में बनने वाली है, डिस्टेंस भी हमेशा कम आएगा, इमेज हमेशा पास बनेगी, इसलिए इमेज हमेशा छोटी भी बनेगी, इमेज हमेशा छोटी भी ही बनेगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये आपका बिटवीन एफ एंड पी, और एफ और पी है अब क्योंकि पीछे ही बन रही है, तो अभी भी एम की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और मॉड एम की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी, बहुत छोटा तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आगे आ चुका है, ये भी आया पर कम चला होगा, ये ज्यादा चला होगा, तो अब अंतर तो होगा, अभी भी ये वैल्यू छोटी आएगी लेकिन बहुत छोटी नहीं आएगी, और यहाँ स्पीड भी जो होगी वो भी कम आएगी। ठीक है, और यही दो केस है वैसे तो, अगर आप बनाना चाहो तो इसमें तीसरा केस ये बना सकते कि पी पे ले आओ और पी पे लाके दोनों की मुलाकात करवा दो। ठीक है, चाहो तो थर्ड केस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैंने पीछे वाले में जैसे 6 केस बताए थे, आप उसमें कॉनकेव वाले की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव वाले की, तो उसमें 6 केस के बाद 7th भी आप एक ऐड कर सकते थे, ऐसा वाला एट पी, तो यहाँ पे भी एट पी हो जाएगा, जरूरी नहीं है, नॉर्मली मिलेगा नहीं आपको, मैंने बता दिया वैसे जानकारी के लिए। तो यहाँ पे भी आपका वही एम पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल और इरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पहली बार मोड एम की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सेम साइज होगा, हालांकि ये इतना रिलेवेंट नहीं है, सेम है अब क्योंकि पोल से आगे जाने का तो कोई मतलब है नहीं, ऑब्जेक्ट पोल से आगे तो नहीं जा सकता। ठीक है, अब अगर जाएगा तो फिर वर्चुअल केस कहेंगे,
ऑब्जेक्ट यहां तो चल रही है वर्चुअल केस। अब मेनली इसमें दो केस है, पहला और दूसरा। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहां से कंक्लूजन ये निकला कि इमेज जो बनी है वो वर्चुअल और इरेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल था। तो ये बात जो अक्सर किताबों में आपको मिलती है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। पूरा सेंटेंस होगा जब आप उसमें ऐड करेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनाता है। आगे मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं कि इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज रियल आ सकती है, लेकिन उसमें आपको देखना होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी लोकेशन कहाँ होगी जिसके लिए इमेज रियल बनेगी। ऐसा नहीं कि सारी पोजीशन के लिए रियल बनेगी, ठीक है, कुछ पोजीशन आती है और वो है फोकस और पोल के बीच में। अभी वो मैं आपको शो करूंगा ग्राफ से और वैल्यू रख के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो और एक चीज यहाँ समझने की है, जो ध्यान देने की है, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है और वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो हमेशा छोटे साइज की होगी, ये केस कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, एक क्लास पीछे, कॉनकेव मिरर में आपको याद होगा वर्चुअल इमेज जो बनी थी, वो बड़े ही साइज की थी, ठीक है। अब देखिए ये मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहेगा अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, अब मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 उसने बताया ही नहीं कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको चीजें कितने अच्छे से समझ में आती हैं, आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि आपको मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना कि यहाँ जो वर्चुअल इमेज होगी कॉनवेक्स मिरर में वो छोटी ही होती है और कॉनकेव मिरर में बड़ी ही होती है। यही चीज आपको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, जैसे आपसे कहा गया अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अब मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट कैप्ट एट दिस सेपरेशन, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। अब उसमें वर्ड यूज किया वर्चुअल है, इरेक्ट भी है लेकिन एनलार्ज्ड है, तो मिरर आपका ये नहीं होगा। मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। तो वहां जो फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दी है 10, उसको 10 नहीं -10 लेंगे। ये कई बच्चे तो इसे इसलिए छोड़ के आएंगे, और यकीन मानिए अच्छा सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, वो दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन बच्चे ने नहीं पढ़ा होता या उसने इन चीजों को इतने गौर से ध्यान से नहीं समझा होता, या टीचर जैसे मैं बोल रहा हूं और एक नहीं दो तीन बार अभी मैंने रिपीट कर दी इसी बात को, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए। बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए कि माइंड में सेट हो जाए कि वर्चुअल इमेज तो दोनों ही मिरर बनाते हैं, लेकिन ये जो कॉनवेक्स बनाता है वो छोटी बनाता है और कॉनकेव जो बनाता है वो हमेशा बड़ी बनाता है। ये माइंड में अगर सेट हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप मिरर को जज कर लोगे, नहीं तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आएंगे कि मिरर तो बताया था फोकल लेंथ 10 भी दी थी, पर हम तो कंफ्यूज हो गए कि +10 ले कि -10 ले, बताया नहीं था। और कई बच्चे तो बोनस की डिमांड कर जाएंगे, बोले सर वो क्वेश्चन एक आया था और वो क्योंकि होता है एग्जाम के बाद क्वेरीज रेज करी जाती है कि कोई बोनस तो नहीं, तो उसमें कुछ बच्चे बोनस भी उसमें क्लेम करेंगे कि इसमें तो बताया नहीं था मिरर कौन सा है, तो हाउ वी विल डिसाइड। लेकिन उसने जो वर्ड यूज किया ना वर्चुअल एंड लार्ज इमेज, तो समझ जाना कि वो मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है। और अगर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड का है, डिमिनिश मतलब छोटा, तो समझ जाना कैसा है, कॉनवेक्स मिरर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको नोटिस में आपके में आनी चाहिए, नॉलेज में आनी चाहिए। पढ़ा तो है कई बार, मैं ये जान भी रहा हूं कि पढ़ा है, लेकिन नोटिस में नहीं है, आपके जहन में दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें काम बहुत आती है और इनकी वजह से ही मिस्टेक होती है। अब ये मैं पिछले दो क्लास से मैं चाहता तो इसको स्किप करते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाता, मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर मॉड्यूल वगैरह में, पैकेज में, बुक्स में ये सब टेबल वगैरह मिलती है, बट होता क्या है कि हम को दिखती है लेकिन उसे पढ़ता कोई नहीं है, उसको एनालाइज कोई नहीं करता, उसमें से एक्सट्रैक्ट कोई नहीं करता, ठीक है। अब जैसे हमने देखा उन चीजों को अगर माइंड में रखूंगे ना बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऑप्टिक्स बड़ा मतलब टफ कोई टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक ही होता है, क्वेश्चन करने लायक होते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ग्राफ बताता हूं अब आपको, इसमें उस ग्राफ से भी हमें आइडिया मिल जाएगा। ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर
चलिए अब देखिए इसमें जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये V और U के लिए है। आपने कहा कि 1/V या 1/U के लिए कैसा होगा, वो तो मैं कल ही बता चुका हूं आपको। कल ही मैंने बताया था 1/F = 1/V + 1/U है, और इसमें हम 1/V को अगर हम लिखें तो 1/F - 1/U, तो मैंने आपको बताया था कि F की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हम ले रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कॉनवेक्स है कि कॉनकेव है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया भी था क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑब्जेक्ट रियल है तो ये वाला टर्म जो होगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव ही आएगा, यानी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा अगर रियल ऑब्जेक्ट है। फिर ये इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा मिरर कॉनकेव है या कॉनवेक्स है। तो ऐसा नहीं किताबों में आपने ग्राफ पढ़ लिया और रट लिए, काम नहीं चलेगा। वहां साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना चाहिए, दे रखा है उसमें मुझे लगता है कि वो कमी है पैकेज में या बुक्स में, उसको और एलोबरेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, और इसमें ग्राफ इस तरह के आएंगे। एक ही ग्राफ दे दिया है और वो भी ये वाला ग्राफ है, ज्यादातर बुक्स में मैंने देखा ये वाला ग्राफ बना रखा है। अब इसमें आप सोचिए क्या लगता है आपको, ये ग्राफ सही हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ग्राफ बनाया है उसको साइन कन्वेंशन को कंसीडर किया ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूले को देखते हुए ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप करके ये ग्राफ बना दिया। इसमें ना एफ पे ध्यान दिया ना यू पे ध्यान दिया कि रियल है, वर्चुअल है, कॉनवेक्स है, कॉनकेव है। तो उन चीजों को ध्यान रखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही आएगी, जरूरी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ सकती है, ये स्ट्रेट लाइन यहां से भी आ सकती है। आप मेरी बात को समझे होंगे, तो अब इसमें अलग से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। तो हम यहां जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वो वी और यू के बीच में, और हम यहां पे ये जो पी है इसे ओरिजिन मानेंगे, तो मैं इसे पी लिख देता हूं। अब आप देखिए कि यहां पर ऑब्जेक्ट रियल है तो मैं यहां कह सकता हूं यू की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, और हमने देखा कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, यानी वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है, तो यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव, यानी हमारा ग्राफ इस क्वाड्रेंट में जाने वाला है। आप मेरी बात को समझे हो शायद, फिर से सुनो, ये सामने है ना, ये सामने है, यू नेगेटिव यानी दोनों क्वाड्रेंट में यू नेगेटिव है, लेकिन हमें पता है इमेज इस रीजन में बनी है, वी पॉजिटिव है, तो वी पॉजिटिव तो इस क्वाड्रेंट में होगा, यानी ग्राफ यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, यानी ग्राफ हमारा इसमें होने वाला है। एक और चीज, इमेज फोकस से दूर नहीं बनी है, फोकस से दूर नहीं बनी है, यानी वी की वैल्यू एफ से ज्यादा नहीं हुई, ये प्लस एफ है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं और मैं ये कह सकता हूं इस लाइन के ऊपर इमेज नहीं होगी, ग्राफ नहीं होगा, तो नीचे ही होगा, और ऑब्जेक्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं। आपने देखा माइनस इन्फिनिटी से लेके इस रीजन में ऑब्जेक्ट, यानी यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लेके गए तो इमेज की जो लोकेशन है वो एफ और पी के बीच में रही है। तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ऑब्जेक्ट है आपका माइनस इन्फिनिटी पे, यानी यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इमेज कहां बन रही है, फोकस पे एफ, और जैसे जैसे हम ये पास आ रहे हैं पोल के, वैसे वैसे इमेज भी पास आके पोल पे मिल जा रही है, यानी कि ये ग्राफ हमारा ऐसे करके जाएगा, इस तरह से ऐसे करके जाएगा। तो आपको अब देखिए ये इतना ही ग्राफ आपको किताबों में मिलेगा, हम इसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, इतना ही ग्राफ मिलता है, लेकिन ध्यान रहे ये जो ग्राफ है ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का हो गया ये तो। और मैंने आपको बताया कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो दो पार्ट होते हैं उसके, तो ये एक पार्ट भी अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप एक कॉमन सेंस लगाओ मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपको एग्जाम, नहीं तो फिर हम वैल्यू रख रख के बना सकते हैं, वैल्यू रख रख के, बट मैंने कहा कि कॉमन सेंस लगाओ, तो ये ग्राफ इधर जा रहा है तो आपको अंदाजा तो है कि ये ग्राफ अधूरा रह गया, अगर हम इसे पूरा करेंगे तो ये नीचे ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा, तो उसी ग्राफ को अगर हम देखें जो पीछे हमने बनाया था, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे मुड़ेगा जैसे कॉनकेव में आया था वैसे ही ऐसे मुड़ेगा, तो यहां पे भी आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हो इसके जैसी, और ये लाइन पक्का प्लस एफ के लिए होगी। अब देखिए इसमें भी मैं आपको रियल की बता रहा हूं, आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। अब ये एक पार्ट आया इसका, ग्राफ का एक पार्ट आया, तो दूसरा पार्ट कैन यू गेस, 1, 2, 3, 4 कौन से क्वाड्रेंट में आपके हिसाब से होना चाहिए, अगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आप भूल जाओगे, तो वहां जब भूल जाओगे तो ये कैसे उसको एनालाइज करोगे, हाँ सर ने कुछ बताया था, जैसे ये इतना पार्ट ड्रॉ कर लोगे, अब दूसरा होगा तो उसको नीचे ले जाओगे, तो अब आप देखिए एक एसेम्प्टोट ये हो गया, दूसरा एसेम्प्टोट ये हो गया,
तो एक दो तीन चार, क्योंकि ये तो अभी आधा ही पार्ट आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, दूसरा पार्ट जो आएगा तो वो एक दो तीन चार कौन से वाले पार्ट में हो सकता है? फोर्थ। मैं यहां से काउंट कर रहा हूँ, एक दो तीन चार, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से बताना, एक फोर्थ चार फोर्थ फोर्थ वाले में होगा और ये ऐसे करके होगा, ये ऐसे करके होगा, ठीक है। अब भैया चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये वाला तो मैंने यहाँ लिख दिया, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, इसकी बात कर लेते हैं। ये वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो वी क्या है, वी क्या है, नेगेटिव है। वी नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, वी नेगेटिव का मतलब सामने, नेगेटिव का मतलब सामने ही होता, चाहे ऑब्जेक्ट हो इमेज हो, सामने जो होगा वो रियल होगा, छू सकते हो आप उसको, टच कर सकते हो। तो ये वी नेगेटिव का मतलब, यहाँ वी नेगेटिव है और वी नेगेटिव है इसका मतलब इमेज सामने बन रही है, लेकिन कब बन रही है, जब ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच का मतलब हुआ इस रीजन में है। और कैसा है, यू पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और वो भी कब, जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो उसकी इमेज सामने बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। अब सवाल ये नहीं है कि रियल है तो वर्चुअल होगी कि इरेक्ट होगी, वो चेक करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कह दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि रियल ऑब्जेक्ट होता है तब आप रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए जैसा इस केस में, तो उसमें रियल एंड इन्वर्टेड मत बोलना, वो आप उसको निकाल के बोलो, ठीक है। रियल के साथ इन्वर्टेड है कि इरेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, यानी मैं यहां लिख सकता हूं ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। अब आ जाते हैं इस वाले में, तो आप इस वाले में अगर हम देखें तो ये U पॉजिटिव है, U पॉजिटिव है, U पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और फोकस के बाद कहीं हमने रखा है, फोकस के बाद रख सकते भाई, रे यहां से ऐसे डालो, ये यहाँ कहीं आ रही है सपोज करिए, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और V भी पॉजिटिव है और V की वैल्यू F से ज्यादा है, V भी पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव का मतलब इधर ही, तो वो भी V पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये पूरा ग्राफ आपको बहुत ही रेयर किताब में मिलेगा, ये वाला भी और उधर भी जो मैंने बताया था, तो आप इसको लिख लो, फिर इससे हम कुछ कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं, जो अभी तक हमने सीखा वो ये सीखा कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और छोटी बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। और एक चीज नोटिस करने की है इसी में, देखिए ध्यान से देखना, ये जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, तो आप देख रहे हैं वी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी वी इन्फिनिटी भी हो सकता है, इमेज इन्फिनिटी, यानी इमेज का साइज वर्चुअल रियल इमेज है, अभी तक तो ये छोटी बना रहा था, लेकिन अब ये जो रियल इमेज बनेगी ये बड़े साइज की बनेगी, आप मेरी बात को समझे हो, रियल इमेज जो बनेगी वो बड़े साइज की बनेगी, यानी कि कॉनवेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है, और वो आप देखिए कि फोकस और पोल के बीच में। आपको अभी बिलीव नहीं हुआ है तो मैं आपको एक वैल्यू लेके बताता हूं, ठीक है। देखो ये एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसकी 10 है और फोकल ये है, पी ये है, ऑब्जेक्ट मान लो यहां है, क्योंकि रे ऐसे करके आ रही थी, रे यहां से ऐसे आ रही थी, ठीक है, और ये यहां जाके मिलेंगी, यहां जाके मिलेंगी, ऐसे आ रही थी रे, ठीक है, यहां पे जाके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओ है, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ये रे आ रही थी, यहां पे ऑब्जेक्ट ओ है। अब इसके बाद क्या होगा, तो मान लो सपोज करो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इससे तो कम ही है, चलो रख के देख लेते हैं क्या दिक्कत है, अगर ये नेगेटिव आता है तो सामने बनेगी, और डिस्टेंस 5 से ज्यादा आएगा तो बड़ी बनेगी, वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, बट आप मेरी बात में बिलीव मत करो, आप करके देखो इसको। तो यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u, फोकल लेंथ प्लस का 10 है, कॉनवेक्स मिरर है, इमेज मुझे पता नहीं, मैं निकालना चाहता हूं, और ऑब्जेक्ट इधर है, रेज भी इधर ही जा रही, रेज भी इधर ही जा रही, ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो ये प्लस का 5, इसको आप इधर लाएंगे तो ये इधर लाएंगे 1/5 है, 1/5 को 2/10 कह सकते हो, 2/10, तो 1/10 माइनस का 2/10 और 1/v, तो v की वैल्यू यहां से 1/v की वैल्यू माइनस का 1/10 आएगी, तो v की वैल्यू माइनस का 10 आ गई, माइनस का 10 का मतलब समझे, सामने बनेगी, रियल बनेगी और डिस्टेंस डबल है,
तो ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उससे डबल साइज की होगी, ये 5 है ये 10 है तो डबल साइज की बड़ी बड़ी मेरी बात जो मैं कह रहा था, ठीक है। अब आपके मन में अभी तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट शो किया है, मान लो ये कोई लेंथ वगैरह थी, तो अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो 2 सेंटीमीटर की इमेज बनी। सवाल ये भी है कि अब रियल तो बनी, रियल तो बनी, लेकिन वो रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी क्या? चलो चेक कर लेते हैं, माइनस वी बाई यू, ठीक है। अब देखिए रियल है तो आपके मन में एक थॉट आ सकता है कि एम नेगेटिव होगा, चलो चेक कर लेते हैं, माइनस साइन पहले से है, इमेज का माइनस साइन आएगा ही आएगा, वी का नेगेटिव आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल एम कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल एम कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये देखो माइनस साइन है, वी का नेगेटिव साइन हो गया सामने है, इसलिए तो माइनस और माइनस प्लस, यू का साइन पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और रियल बन रही है, जबकि हमने पढ़ा था एम नेगेटिव होता है तब रियल एंड इन्वर्टेड होती है, अभी इन्वर्टेड की तो बात ही नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव हो गया। अब आई बाई ओ, अब समझो ओ अगर मान लो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ था, अभी तो पॉइंट दिखाया है, पर मान लो यहां से बड़ा सा साइज था कुछ भी, तो ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज थी, मतलब ऑब्जेक्ट इरेक्ट था, तो ओ की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आई भी पॉजिटिव, और आई पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इमेज जो बनेगी वो रियल के साथ साथ इरेक्ट भी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी आएगी, तो रियल के साथ इरेक्ट भी पॉसिबल है, जबकि अब तक हम जो देखे थे वर्चुअल के साथ इरेक्ट बोलते थे, ठीक है। तो ये एक मैंने केस बता दिया, ले अब ये यहां से क्या होगा मैं बताता हूं, ये फोकस है, ये आपका इधर कहीं सेंटर होगा, तो एक लाइन ऐसे करके मैं यहां से खींच लेता हूं, ये रे ऐसे आई, ये सेंटर है, यहां से खींचेंगे तो ये देखिए नॉर्मल हो गया, ये तो ये जो लाइन मैंने खींची नॉर्मल हो गया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सभी मिरर के लिए यूज होते हैं, वैलिड होते हैं, तो जितना ये एंगल है सपोज थीटा है उतनी एंगल पे ये मुड़ जाएगी, और ये यहां जाके ऐसे थोड़ा ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, उतने एंगल पे मुड़ के ये यहां जाके मिल जाएगी, यहां जाके मिल जाएगी, तो ऐसे इधर से भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके ये जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ कॉनवेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल रियल और इस केस में इरेक्ट एंड enlarged image of virtual object when object is kept between focus and pole, when kept between focus and pole, ठीक है। तो चलिए यही जो बातें हैं इनको हम जरा यहां समराइज कर लेते हैं। A convex mirror always form virtual erect एंड diminished, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, diminished वर्ड मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में, और आप में से कई बच्चों को न पता हो तो diminished मतलब छोटा, मैंने बोला भी इससे पहले भी, ठीक है। diminished image of real object, ये जो real object है इसे underline जरूर कर लेना, क्योंकि यही चीज नहीं लिखी होती, मैं इसीलिए कह रहा था कि अधूरा information दी होती है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अभी जो मैंने बोली सेकंड पॉइंट, वो सेकंड पॉइंट यही समझाया कि एक कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ रियल इमेज विच इज enlarged एंड इरेक्ट, विच इज enlarged एंड इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड kept बिटवीन, ये बोलना जरूरी है कि कहां रखा हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज वर्चुअल बनी है, तो जब इस बीच में होगा तब होगी, और एनलार्ज यानी बड़ी बनेगी, एनलार्ज मतलब बड़ी बनेगी, इरेक्ट बनेगी रियल के साथ में, रियल बनेगी, एनलार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी व्हेन केप्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा हटके हैं जो आपको जाननी ही चाहिए, और ये मैंने एक करके सिचुएशन दिखा दी है आपको, आप बना लें।
चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। अब देखिए इसमें लगभग लगभग मिरर का पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी, न्यूटन का मिरर फॉर्मूला, वो जरूरी था। 2 मिनट का मौन भी रखेंगे इसके बाद, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला ही ध्यान रखो, कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अब ये कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉनवेक्स हो, यहां पर ठीक है ये फोकस है, मान लो ये यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये इमेज है, सपोज करते हैं। तो न्यूटन ने ये कहा था कि जो डिस्टेंस हम पोल से नापते आए हैं उसे पोल से ना नाप के फोकस से नापो, यानी ये डिस्टेंस सपोज x1 है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो x2 है, ऐसा इसने कहा और हमने किया, क्योंकि इसकी आत्मा को शांति तभी मिलती है। तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से पोल से फोकस का f है, तो जिसे हम u कहते थे, आप देखिए u की वैल्यू f प्लस x1 हो जाएगी, यानी u की वैल्यू f प्लस x1 हो जाएगी और v की वैल्यू f प्लस x2 हो जाएगी। तो जब हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, पुटिंग, और जब इस वाली इक्वेशन पुटिंग इन दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन के साथ ही रख लो, तो जब हम सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो f² = x1 x2 आता है, या f की वैल्यू √x1 x2 आती है। इसी फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना, कुछ टर्म कट जाते हैं, कोई हाईफाई चीज नहीं है, तो इसमें रखें, हम रख के सॉल्व करेंगे, साइन के साथ ही कर लो, तो ये आ जाएगा x1 x2, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन जरूर है कि भले ही हमने ये डिस्टेंस यहाँ x1 x2 लिए हैं, रियल हो या वर्चुअल हो, फॉर्मूला तो नो डाउट वैलिड होता है, फॉर्मूला वैलिड तो होता है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि एक तो दोनों मिरर के लिए ये एप्लीकेबल है, दोनों मिरर के लिए लगा सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर, ऐसा नहीं कि कॉनवेक्स मैंने बनाया तो उसके लिए है। और इसमें x1 और x2 को, कंडीशन ये है कि x1 x2 को कभी साइन के साथ नहीं रखा जाता। अगर साइन के साथ रख दिया, मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो फिर तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या है, एंड x1 एंड x2 आर टेकन विदाउट साइन, ये विदाउट लिखा है मैंने, विदाउट साइन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस यही न्यूटन का फॉर्मूला है, आपको कोई भूला भटका सवाल अगर आ जाए फॉर्मूला ही पूछ लेगा, या कभी कोई आ जाए x1 दे रखा हो, x2 पूछा हो, f दे रखा हो, निकाल लेना उसमें, इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत ज्यादा कोई इसमें क्वेश्चन मिलने की चांसेस नहीं है, आपने किए भी होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ये फॉर्मूला कहीं देखा हो, फॉर्मूला वगैरह पूछ लेता है, बाकी इस पर आपने ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं होंगे, ठीक है। इसमें इसके बाद एक चीज और मुझे बतानी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, फिर हम शीट पे आएंगे, जो मैंने आपको शीट दी थी DPP2 रिफ्लेक्शन वाला, फिर हम आ जाएंगे इसके बाद रिफ्रैक्शन, लेकिन अभी शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मून है या सन है, कोई बड़ी चीज है, उसका जो साइज शेप होता है वो राउंड होता है ना, तो एक मिरर सामने रख दिया, मून का ही मान लो आपको इमेज बनाना है, मिरर रख दिया सामने, तो मून की जो इमेज बनेगी उसका डायमीटर कभी कभी पूछ लेता है, मून है या कोई स्टार है, सन वगैरह का डायमीटर पूछ लेगा इमेज का। तो उसको निकालने के 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3, और वो तीनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला ही पूछ लेगा, कोई एक फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ठीक है, और कभी कभी क्या है आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेगा, बाकी वैल्यू दे रखी होंगी, तो वो तीनों फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीनों फॉर्मूले एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन जरूर मिलेगा पर मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, वैल्यू तो रख ही लोगे, फिर आप आंसर भी आ ही जाएगा, और आपने ऐसा क्वेश्चन हो सकता है किया भी होगा। तो ये पहले नोट करो, न्यूटन का मिरर फॉर्मूला,
ठीक है। तो अब देखिए हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, छोटी सी चीज है लेकिन काम की है, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इसमें। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक सन, मून एटसेट्रा। ये मैं लिख भी इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो पक्का मान के चलिए सन मून जरूर यूज करेगा, ठीक है। अब ये एक मिरर हमने ले लिया, मान लो कॉनकेव मिरर ही है और इससे हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये मान लो मून है सपोज करिए, और ये मून का ये वाला जो है ये डिस्टेंस सॉरी डायमीटर डी है, और ये डायमीटर डी है, तो अब इससे जो इमेज बनेगी, तो देखो मून हो या सन हो इनके डिस्टेंस जो होते हैं वो लाखों में, करोड़ों में और किलोमीटर में होते हैं, तो कोई मामूली डिस्टेंस तो है नहीं, क्योंकि इनकी जो फोकल लेंथ वगैरह होती है वो तो मीटर सेंटीमीटर में ही होती है, मीटर में भी आप देखोगे बहुत बड़ा हो जाता है ना, और हमारे पास दुनिया के जो बेहतरीन टेलीस्कोप भी है वो भी बहुत बड़े साइज, लार्जेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड में जो है शायद चाइना का है, 30 मीटर डायमीटर का है वो, अपर्चर का है शायद, और वैसे इससे पहले जो टेक्स्ट बुक वगैरह में आप पढ़ोगे तो उसमें पुराना है डेटा, हमारे पास अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें अमेरिका में यूएसए के पास एक आइलैंड है हवाई नाम से, वहां पर एक टेलीस्कोप है जैसे पेयर ऑफ टेक्स टेलीस्कोप कहते हैं, जिसका डायमीटर अपर्चर का वो 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, ये थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट में जो बता रहा हूँ तो इनके साइज भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, नॉर्मली लैब वगैरह में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ सेंटीमीटर में होते हैं, उसके मुकाबले ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, करोड़ों में, लाखों किलोमीटर में या करोड़ों किलोमीटर में होगा डिस्टेंस। मून का तो आप जानते हैं 384,000, तो ये लाखों में वो भी किलोमीटर में, फिर मीटर में बदलो फिर सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस इज ह्यूज। ह्यूज से मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आप डिस्टेंस को आप इसके फोकल लेंथ के कंपेरिजन में इस डिस्टेंस को आप इनफाइनाइट मान सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, कहां बनती है फोकस पर, और जाहिर सी बात है ये पास बन रही है, तो पास बनेगी तो छोटी भी बनेगी, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा इसका डायमीटर क्या होगा, तो लेट इसके डायमीटर को स्मॉल डी लिख रहा हूं, इसके डायमीटर को कैपिटल डी लिख रहा हूं, और ये फोकस होगा, ये कहने की जरूरत नहीं, लार्ज डिस्टेंस है तो फोकस पे इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पे एक सिंबल, केवल एक रे दिखा रहा हूं मैं, और ये ऐसे पोल से टकरा के यहाँ आ गई, तो ये एंगल अगर थीटा है तो आप जानते हैं ये एंगल भी थीटा होगा, यहां से ठीक है, और ये इसे हम इंसिडेंट रे ऐसे करके यहां पे, और ये जो डिस्टेंस है आप जानते हैं ये डिस्टेंस एफ हो जाएगा भैया फोकस है, तो अब आपको ये डायमीटर डी डिमांड करेगा, ये इमेज है मून की, ये इमेज हो गई, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये एफ हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है सन का, ये सन के डिस्टेंस क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है मून है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यू हो गया। तो अब इसके तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे कैसे देखो, यहां पर एक फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूं यहां पर टेन थीटा, अगर मैं लिखूं ध्यान से सुनना मेरी बात, टेन थीटा लिखूंगा तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है और ये जो छोटा ट्राइंगल है ये सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल की पहचान क्या होती है, तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं, जैसे ये एंगल 90 है इसका ये 90 है, ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ऐसे जो ट्राइंगल होते हैं सिमिलर होते हैं। तो अब इसमें फिर ये कैमरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए टेन थीटा, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा में यहां लिखूंगा दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया डी अपॉन यू इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये डी अपॉन एफ, ठीक। यहां से तीन फॉर्मूले जो बनते हैं वो कौन कौन से, मुझे डी चाहिए था, यही एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप तीन फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कौन कौन सा, जैसे डी चाहिए इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, तो डी चाहिए तो ये हो गया भैया एफ इंटू डी अपॉन यू, पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला तब यूज करना है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब क्वेश्चन में आपको सन का डायमीटर या मून का डायमीटर और ये जो डिस्टेंस है यू वाला ये वाला वो दे रखा होगा, तो फिर आप सीधे सीधे फोकल लेंथ दे रखी होगी इसकी, इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी होगी, सन का डायमीटर दिया होगा, ये डिस्टेंस
किलोमीटर वगैरह में, करोड़ और लाख किलोमीटर में दे रखे होंगे, वैल्यू रखो, फोकल लेंथ रखो, डी आ जाएगा। एक पहला हो गया, ये आप क्वेश्चन में पहला फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको यू और डी दे रखे हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको ये थीटा की वैल्यू दे देगा, आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे देगा, तो यहां से डी की वैल्यू एफ टेन थीटा आ जाएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आ गया डी इक्वल्स टू एफ टेन थीटा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला आता है अगर थीटा छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, और होगा भी क्योंकि ये डिस्टेंस के मुकाबले ये वाला जो डिस्टेंस यू वाला होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। जैसे मून का जो डायमीटर है वो कुछ हजार किलोमीटर है, जैसे अर्थ का डायमीटर है, तो अर्थ का डायमीटर रेडियस आप जानते हैं 6400, उसका डबल भी कर लोगे तो 12,800, 12,800 हो गया अर्थ का। मून तो उससे काफी छोटा है, 2000 मेरे ख्याल से कुछ समथिंग ऐसा है ना, तो आप समझ सकते हैं हजार किलोमीटर में, और ये डिस्टेंस करीब करीब 400,000 किलोमीटर है, 384,000 है, तो ये डिस्टेंस काफी लार्ज आएगा, तो थीटा वहां छोटा ही होता है ज्यादातर केस में। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप जानते ही हो कि 10 थीटा की वैल्यू को लगभग थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पे मैं थीटा रख दूंगा। देन जो डी है उसकी वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया, ये थर्ड फॉर्मूला। अब इसमें याद ध्यान रखना, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपके सामने दुविधा की स्थिति अब नहीं होगी। अगर पहले कभी इस तरह के क्वेश्चन में परेशानी होती हो करने में तो आगे दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो मैंने कहा अगर क्वेश्चन में आपको डायमीटर और डिस्टेंस दिया तुरंत समझ जाना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिगर बना लेना फटाफट से, स्केच करके, फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये 10 थीटा बना के तुरंत ही आ जाएगा, भूल भी जाते हो तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में एंगल दिया है तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एंगल दिया 30 डिग्री, ये एंगल इसका डायमीटर कह रहा है, मिरर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डायमीटर मिरर पर एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला नहीं यूज करना है। 30 डिग्री तो बड़ा एंगल हो गया ना, तो फिर ये वाला यूज करना है, फोकल लेंथ रख देना, डी निकल आएगा। फोकल लेंथ सपोज 20 है और 10 30 1/√3, तो 20/√3 सेंटीमीटर में इमेज का डायमीटर आ जाएगा, बहुत छोटा ही होगा इसके मुकाबले। या अगर कह दे क्वेश्चन में कि जो मून है या सन है वो 2 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 2 डिग्री काफी छोटा हो गया, फिर 10 थीटा में मत रखो, फिर डी इक्वल्स टू एफ थीटा रखेंगे। लेकिन अब यहां एक सावधानी की जरूरत है, और वो सावधानी ये है कि अकेला थीटा आता है, मैंने पहले भी कई बार कहा है यहां 2 डिग्री मत रख देना, ठीक है, पुट इन रेडियन। अगर डिग्री 2 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके तब यहां रख, इसमें तो नहीं, इसमें तो आप कैसे भी रखो, अगर एंगल बड़ा है तो ये यूज करना है, छोटा आएगा तो गलती यही कर जाओगे। मुझे पता है कि आप 20 सेंटीमीटर ये दे दिया, 2 डिग्री दे दिया, तो 20 × 2 = 40 सेंटीमीटर आप आंसर टिक करोगे, यकीन मानिए वहां आंसर में 40 सेंटीमीटर 100% चार ऑप्शन में से एक में दिया होगा, 100% जो कि आंसर नहीं होगा, ये आपको डिग्री में दिया होगा अक्सर, और उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई, 1 डिग्री 2 डिग्री दिया होगा तो पुट इन रेडियन ऑलवेज। यही थोड़ी सी बात है जो ध्यान रखने की है, जिनमें हम गलती कर जाते हैं और इन्हीं गलतियों से हमें बचना है। ठीक है, तो ये मिरर की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन जो शीट के मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करने चाहिए और आपको उनमें डाउट भी आ सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए हम आगे आते हैं, शीट के कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा।
ठीक है, आपको ये डीपीपी दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, इसमें मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन तक बता चुका था, छठा क्वेश्चन सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को देख लो, सिक्स्थ वाले को वैसे कर लोगे, लेकिन सिक्स्थ वाले में है क्या कि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पैरलैक्स, तो पैरलैक्स का मतलब नहीं जानते, लेकिन पैरलैक्स होता क्या है, ये 11th क्लास में जब पैरलैक्स हम पढ़ते हैं और पैरलैक्स मेथड वहां बताया जाता है, तो वहां ये बता दिया जाता है पैरलैक्स का मतलब होता है गैप यानी डिस्टेंस। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देयर विल बी नो पैरलैक्स बिटवीन द टू इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, वो इमेज में कोई गैप ना हो यानी वो ओवरलैप करें, तो कोई पैरलैक्स नहीं होगा। इस टेक्निक का यूज करते हैं 12th क्लास में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और लेंस या मिरर की फोकल लेंथ वगैरह निकालते हैं, तो वहां भी पैरलैक्स मेथड ही यूज करते हैं, इमेज और उसको जो नीडल एक लगाई होती है उसको ओवरलैप करा लेते हैं, ठीक है, तब तक खिसकाते रहते हैं जब तक उसमें कोई पैरलैक्स न बचे यानी वो गैप खत्म हो जाए। तो पैरलैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों की जो इमेज है वो ओवरलैप कर जाए, ये मतलब है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये वर्ड को लेके कुछ डाउट हो सकता है कि ये क्या है इसका मतलब, तो मैं चलिए बता देता हूँ इसको। वैसे इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी है, आपको मिल भी जाएगा। तो अब देखिए इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देयर विल बी नो पैरलैक्स बिटवीन टू इमेजेस फाउंड बाय द प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ डिमांड कर रहा है, और इसके सामने यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ जो कि प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कि दोनों की जो इमेज बन रही है उसमें कोई पैरलैक्स ना हो। चलिए ये देखो सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमें फाइंड करनी है, और ये एक प्लेन मिरर यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर आगे, ऑब्जेक्ट की इमेज 10 सेंटीमीटर पीछे ही बनाएगा, कहाँ बनाएगा, पीछे ही बनाएगा। थोड़ा सा और आगे खिसका देता हूँ, थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है, ठीक है। तो अब जैसे यहां से कोई भी रे जाएगी टकरा के इधर लौटेगी, तो ऐसा आभास होगा, ये ऐसे जाके टकरा के जब इधर आएगी तो जैसे पीछे बन रही हो। आपने कहा कि सर पीछे तो मिरर है, तो क्या हुआ, वहां रे तो जा ही नहीं रही ना, वहां तो एक ऐसा फील आ रहा है कि पीछे इमेज बनेगी, एक्चुअल में तो रे यहां जाके टकरा के इधर लौटाएंगी, तो हमको ऐसा लगेगा जैसे पीछे बन रहा है, और कितना पीछे बनेगा, 10 सेंटीमीटर आगे है ऑब्जेक्ट, तो इसके पीछे 10 सेंटीमीटर पे यहाँ इमेज बनेगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी इससे 10 सेंटीमीटर पीछे का मतलब इससे 5 सेंटीमीटर पीछे, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो अब जो रेज इधर आ रही थी वो टकरा के यहां से जब जाएंगी तो ये ऐसा लगेगा जैसे यहां से आ रही है, एक बार। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट से जो रेज इधर जाएंगी यहां पे ऐसे जाके टकराएंगी, वो ऊपर जितनी भी जा रही अपर हाफ में, वो टकरा के जब इधर लौटेंगी तो ऐसा लगना चाहिए, ऐसे जाएंगी, ऐसा लगना चाहिए जैसे यहां से आ रही है, तभी तो ऐसा होगा कि ये दोनों की इमेज, कॉन्वेक्स मिरर वाली भी और ये प्लेन मिरर वाली भी, दोनों ही ओवरलैप करेंगी। ये बार बार कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये आ गया और यहाँ इमेज ओवरलैप कर गई, तो अब देखिए बहुत ही आसान हो गया, हमें करना क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस पता लग गया यानी हमें वी पता लग गया, फोकल लेंथ निकालनी है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, यानी हमारे पास यू है 15 सेंटीमीटर, बल्कि मैं माइनस कहूंगा क्योंकि सामने है, ठीक है, और वी है हमारे पास इमेज, इससे जो बन रही है वो 5 सेंटीमीटर बन रही है, पीछे बन रही है इसलिए प्लस का 5, और हमसे फोकल लेंथ डिमांड कर रहा है, तो ये आ गया 1/f = 1/v + 1/u। मेरे ख्याल से अब तो आप कर ही लोगे, माइनस 15 प्लस का 5 वैल्यू रखो, सॉल्व करो, फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, पैरलैक्स का मतलब भी समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे करना था ये भी समझ में आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को पैरलैक्स भी समझ में आया होगा, तो कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा, सर ये जो यहाँ टकरा के जब इधर जाएगा तो पीछे इमेज कैसे बन जाएगी,
पीछे इमेज कैसे बन जाएगी, क्योंकि यहां तो जा नहीं सकती, ये आ जाएगा, तो रेज गई कहां है वहां, रेज तो यहीं से लौट आई। ये सिर्फ यहां जो देख रहा होगा खड़े होके, उसको एक ऐसा फील आ रहा होगा कि इमेज यहां बनी है या यहां से रेज आ रही है, ऐसा फील। एक्चुअल में थोड़ी रे गई, तभी तो वर्चुअल इमेज बनी है। इसने भी वर्चुअल बनाई, इसने भी वर्चुअल बनाई, दोनों एक ही जगह बनी, इसका मतलब पैरेलेक्स नहीं है। और अगर पैरेलेक्स होता, तो क्वेश्चन में आपको बताता कि पैरेलेक्स 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो बता देगा। इसका मतलब दोनों से जो इमेज बन रही है उनके बीच में इतना गैप है, पैरेलेक्स अगर दिया है तो, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक दो सवाल इसमें ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको मुझे बताने ही चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप कर भी लो, हो सकता है ना भी करो। 7th मैंने बता दिया था, 8th मैंने करने के लिए कहा था, 9th आप कर लोगे, नीट का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये भी अगला भी 10th भी कर लोगे, 11th आप कर लेना, इजी है। 12th वाले में एक मैं बता देता हूँ आपको, 12th वाले में, और इसमें 13th वाला IIT का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 14th वाला तो ईजी है, मेरे ख्याल से कर लोगे, ऑब्जेक्ट चल रहा है और इसमें इमेज की स्पीड पूछी है, तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दोगे, हो जाएगा। बट इसमें और भी टफ इसको किया जा सकता था, अगर मिरर को भी चला देते, 14 वाला जो क्वेश्चन है ये तो इजी है, VI = -MT² × VO करो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ये तो इजी फॉर्मूला बेस्ड है। मैं इसको और टफ कर सकता हूं अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर को भी चला देते हैं, तब कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसमें 12th वाले के दो पार्ट है, मैं एक बता देता हूँ, सेकंड वाला बता देता हूँ, क्योंकि उसमें फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से आप शायद कर भी लोगे। अच्छा, इसी में 12th वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी के जैसे कॉन्सेप्ट के डबल मिरर वाले क्वेश्चन अगर आपको करने हो, तो एक या दो क्वेश्चन एचसी वर्मा की एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ एचसी वर्मा में आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, 2 है या 3 है। तो ये तो नहीं है, इससे थोड़ा सा हटके वहां पे शायद दे रखें, तो मैं इनमें से एक आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो सेकंड वाला पार्ट मुझे लग रहा थोड़ा टफ है, वो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट वाला शायद आप कर लोगे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर M2 इन ईच केस, दोनों केस में से बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर M2 इन ईच केस, कंसीडर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन मान्य है। वैसे मैं आपको बताऊं इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि 2 मिरर है, इन दोनों मिरर के बीच में ऐसे रे टकरा के जाती रहेंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, तो वो उसके आगे की कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है 2 तक ही मान के चलने, उसके आगे होंगे तो और भी इमेज बनेंगी, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, ठीक है, तो वो सारी कंसीडर नहीं करनी। आपको कहा है कि 2 रिफ्लेक्शन कंसीडर करने हैं, और पहला M1 पे एज्यूम करना है और दूसरा M2 पर। आपने कहा ऐसा जरूरी है, ऐसा नहीं है, रे तो सभी डायरेक्शन में जाएंगी, तो M1 पे भी जाएंगी, M2 पे भी जाएंगी, अपनी अपनी इमेज बनेंगी, फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, तो ऐसे बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं, बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं, लेकिन आपसे जो डिमांड कर रहा है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पे होने के बाद फिर जो रे M2 पे गई होगी उससे जो इमेज बनी होगी वो लोकेशन आपको बतानी है, और उसका डिस्टेंस भी कहां से बताना है, M2 से बताना है। तो ऐसे आप कह सकते हो क्या ऐसा भी होगा, बिल्कुल होगा कि M1 पे कंसीडर करके हम M2 पे पहले कंसीडर करें, फिर M1 पे जाए, फिर बने, ऐसी बहुत सारी बनने वाली है, 3 रिफ्लेक्शन भी होंगे, 4 भी होंगे, तो ऐसे फिर क्वेश्चन का कोई अंत नहीं होगा, सारी निकाल, क्योंकि इन्फाइनाइट इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर की 20-20 दे रखी है, M1 वाला जो है वो कॉनकेव है, मैं यहाँ फिगर पहले बना देता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे, एक ये है और एक ये वाला कॉनकेव है, और इसका नाम M1 है, और इसकी फोकल लेंथ माइनस का 10 होगी, क्योंकि रेडियस 20 दे रखी है, ध्यान से लिखेंगे उसको भी, रेडियस 20 है, और दूसरे वाला जो M2 है ये वाला, ये कॉनवेक्स है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो +10 है, क्योंकि रेडियस 20 दे रखी है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, दोनों के बीच में ये 25 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो है और इधर से 5 सेंटीमीटर है। ये सारा डाटा मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, स्क्रीन को आप डबल टैप करके बड़ा भी कर सकते हैं अपनी वाली को, ठीक है, अगर बोर्ड पे देखना हो तो डबल टैप करके। और अब इसमें देखिए हमसे कहा है 2 रिफ्लेक्शन लेने, जिसमें पहला M1 पे मानना है और फिर दूसरा M2 पे मानना है। अब उसके बाद जो इमेज का डिस्टेंस है वो M2 से बताना है, ध्यान रहे M2 से बताना है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन, नहीं 15 है यार, ये गलत लिख दिया मैंने,
इसमें पांच नहीं है, 15 है। ओके, तो 15 होगा तो फिर इसका मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ दिखाना पड़ेगा। वो फिगर मैं देख के ऐसा लगा, 15 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, 5 नहीं। ठीक, चलिए तो इसको मैं मिनिमाइज करके स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, दो दो मिरर आ जाएं तो उसमें एक सावधानी की जरूरत होती है कि जब भी आप किसी एक मिरर पे रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो जो साइन कन्वेंशन आप वहां ले रहे हैं वो दूसरे वाले मिरर के लिए नहीं होंगे। हर बार हर रिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन मिरर के अकॉर्डिंग और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग ही लेने होते हैं, ध्यान रखना। कैसे, अभी अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो यहां समझ लो, अगर आप एक ही साइन कन्वेंशन लेके सॉल्व करते रहे तो गड़बड़ हो ही जाएगी 100%। ठीक है, तो देखिए, पहला हमें क्वेश्चन में कहा है कि पहला रिफ्लेक्शन हमें M1 में लेना है। अब आपने कहा सर न कहे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भाई बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इमेज बहुत सारी बनेंगी, एक दो नहीं बनेंगी, इनफाइनाइट। तो आपको कौन सी वाली इमेज बतानी है, किसका डिस्टेंस बताना है, क्योंकि सबके डिस्टेंस अलग अलग आने हैं, तो वो बताना पड़ेगा कि पहला रिफ्लेक्शन आपको लेना किस पे, क्वेश्चन में बोलेगा। आपने कहा इधर भी ले सकते हैं, वो देगा तो आप इधर ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, रेज इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, तो जो इधर आई है और जो इधर गई है उनसे इमेज जो बनेंगी वो अलग अलग होंगी। तो हमसे पूछा गया कि पहली जो रे यहां से ऐसे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके जब इधर जाएगी इसकी तरफ, तो जो इमेज बनेगी वो कहां सामने बनेगी, पीछे बनेगी, आगे बनेगी, तो उसका डिस्टेंस इससे M2 से ही बताना है। तो चलिए, पहला रिफ्लेक्शन हमें M1 पे लेना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब M1 पे लेना है तो अब ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि रेज इधर गई है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से सुन लो आराम से, ये जो डायरेक्शन है इधर रेज जा रही है, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। पुराना क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं होता, नया क्या होगा उससे भी कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में ये है कि ये रेज इधर जा रही है और इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। और सारी डिस्टेंस मैंने कहा पोल से नापी जाती, इसका पोल यहाँ पे, तो इसके पोल से जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव तो इधर है, इसका फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही साइन कन्वेंशन है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स मत सोचने लग जाना यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि मिरर के सामने होता है तो वो रियल होता है, तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व करके देखते हैं कि इससे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी कहां। तो चलिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन एट M1। अच्छा सवाल है और इसमें साइन कन्वेंशन को लेके दिक्कत होती है, कहीं भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन आए पूछ लेना, बाद के लिए मत रखना। वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, आज एक दो कर दूंगा, अभी मेरी हार्ड डिस्क का अरेंजमेंट हो गया, मैंने ऑर्डर किया था वो आज सुबह डिलीवर हो गया, तो आज मैं शाम को आपको अपलोड करके दे दूंगा, दो वीडियो तो पुराने वाले, और रोज दो करेंगे तो वो कवर भी हो जाएंगे। एनीवे, तो ये ऐसा है कि थोड़ा अगर किसी को फास्ट लग रही हो मेरी स्पीड, तो आप वीडियो वहां देखेंगे तो एक बार देखो, चार बार देखो, 10 बार देखो, रिकॉर्ड पॉज कर लो, जैसा भी देखना। एनीवे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इसमें गौर करने की जरूरत है, आराम आराम से बता रहा हूँ, फिर भी कहीं डाउट लगे तो आप पूछिए, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसे तमाम सवाल मन में आ सकते हैं। तो पहले इसका रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे, 1/F = 1/V + 1/U, फोकल लेंथ इसकी माइनस का 10, साइन के साथ ही रखनी होती है, वी का साइन तो अपने आप आ जाएगा और यू का, अब जैसे मैंने कहा ना ये सामने है, इधर से जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस मैंने लिख लिया, और ये 50। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/V इसको इधर लाएंगे तो 1/15 माइनस का 10, एलसीएम ले लिया 30 आ गया भैया, 15 का 2 और 10 का ये 3, तो ये वी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये माइनस का 30 पता है क्या बता रहा है, कोई बता सकता है माइनस 30 का मतलब, माइनस 30 का मतलब कोई मुझे बता सकता है? इमेज इधर रखे M2 के इधर सर। हाँ, माइनस का मतलब है कि इसके सामने ही है और सामने भी 25 सेंटीमीटर तो यही है और आंसर आया उसमें 30, यानी सामने ही बनी और ऐसी बनी कि ये मिरर के भी पार निकल गई। पार का मतलब रेज तो नहीं जाएंगी, बट ये अगर मिरर नहीं होता तो ये यहाँ जाके कहीं मिलती ऐसे करके, और ये जो डिस्टेंस आता वो 5 सेंटीमीटर आता टोटल यहाँ से यहाँ तक 30। अब आप देखिए, जिन बच्चों को वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो उनको यहाँ इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो, ये रे ऐसे जा रही है तो इस मिरर M2 के लिए अब रे यहां से आ रही है, एक्चुअल में तो यहां से आ रही है एक्चुअल में, और ये आगे जाके मिली, तो वैसे मैं ये कहूंगा इस मिरर की इमेज
यहां बनी है, मतलब मिरर ने जो इमेज बनाई ओ की वो यहां बनाई, यही इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और एक्चुअल में यहां तो है नहीं क्योंकि रे तो इधर से आई थी। तो ये जो इमेज है जो इस एम वन ने बनाई थी 30 पर, वो इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है क्योंकि पीछे है ना। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया तो अब हम यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन एट एम टू, रिफ्लेक्शन एट एम टू। नाउ मैंने अभी आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी दूसरे मिरर पर रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे कन्वेंशन नए वाले यूज होंगे, पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस पे इंसिडेंस हो रही तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है, और ये करना ही है। आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन अगर पुराने वाले फॉलो किए तो गड़बड़ हो जाएगा। जब मिरर ये आ गया, इसके लिए ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, तो इस वाले डायरेक्शन को अब पॉजिटिव लेंगे और पुराना वाला भूल जाएंगे, हटा ही दिया मैंने। ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बनी थी, यही इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन चुकी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन चुकी है, और ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पीछे है, वर्चुअल है। कारण ये है कि इसका जो पोल है ये P1 और ये P2 कह रहा हूं, तो इसके पोल से डिस्टेंस आप नापोगे, इधर 5 सेंटीमीटर इधर जाओगे, रेज भी इधर ही जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन आएगा 5 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव आएगा। तो मैं फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, 1/F = 1/V + 1/U, और यहाँ फोकल लेंथ इस वाले मिरर की M2 की 10 है, कॉनवेक्स है, तो प्लस का 10, तो 1/10 = 1/V, और यहाँ 1/, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है वर्चुअल इसके लिए। और अब इसकी इमेज ये हो सकता है सामने बना दे, हो सकता है पीछे बना दे, लेकिन 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 हिंदी उसमें सीरियल में आता है ना, कोई सीरियल चलता है तो 3-3 बार बोल देते हैं, गर्दन ऐसे घूम रही है 3-3 बार ऐसे करके, तो अटेंशन हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ये, और अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, फोकल लेंथ 10 हो, याद आया कुछ? ये फोकस और पोल के बीच में क्यों बताया था? इसी के लिए बताया था, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, फोकस और पोल के बीच में हो, इमेज रियल ही बनती है और सामने बनेगी। ये हम पहले से बता सकते हैं कि इमेज रियल बनेगी, सामने बनेगी, और बाय चांस मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें अगर याद आ रहा हो तो ये डिस्टेंस मैंने 5 ही लिया था, फोकल लेंथ 10 ली थी, याद आया हो तो इमेज सामने 10 सेंटीमीटर पर बनी थी, याद आया कुछ? यस सर। नहीं याद आया, ये प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 आ गया, ये हम इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस 1/5 है, 2/10 कह सकते हैं, तो 2/10 जैसे मैंने अभी उधर भी बोला था, तो v की वैल्यू भैया माइनस का 10 आ गई, माइनस का 10 इसके हिसाब से माइनस का 10, तो यानी सामने, और ये देखो ये 15 है, ये 25 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर ही तो है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहां से टकराने के बाद इमेज यहां बन जाएगी, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज आ जाएगी, ऑब्जेक्ट जहां था वहीं इमेज बन गई, ओवरलैप कर गई, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर आ गया, रियल इमेज बनी, सामने बनी। चेक कर लो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक चीज इसी में ऐड और करना चाहूंगा, मैं इसमें तो नहीं पूछा लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन वाली बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट हो साइन कन्वेंशन को लेके या किसी भी चीज को, कि सर ये वैल्यू आपने जो रखी ये ऐसे होनी चाहिए थी, आपने ऐसे क्यों रख दी, या कहीं कोई किसी को कुछ लग रहा हो? मैं अभी इसी में एक चीज और बताना चाहूंगा, फिलहाल तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ गया, M2 से पूछा था, M1 से पूछा तो 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जाए, इन प्रीवियस क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, इन प्रीवियस क्वेश्चन सपोज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइज ऑफ इमेज या फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का मतलब यही वाली,
ऐसे पूछे, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वन बाई वन करते जाओ, वन बाई वन करते जाओ, या फिर ऐसा करो कि लास्ट में एकदम फाइनल आंसर निकालने के लिए इसका मैग्निफिकेशन निकाल लो m1 और इसका मैग्निफिकेशन निकाल लो m2, और जो नेट मैग्निफिकेशन होता है m1 m नेट, वो हमेशा ध्यान रखना ऐसे करके लिखा जाता है m1 into m2, और अगर तीसरा सपोज होता तो into m3 m4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके m नेट निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसे निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इसमें पहले m1 निकाल लो फिर m2 निकाल लो, और m1 जब निकाला तो उससे जो इमेज बनी थी ये वाली जो इमेज बनी थी वो इमेज का साइज पता कर लो, देन फिर इसका पता कर लो और फाइनल। या फिर आप m1, तो मैं यहां लिख रहा हूं m1 की वैल्यू अगर मैं लिखता तो माइनस v बाई u, तो देखो भैया माइनस और v की वैल्यू, v सामने आया था कितना माइनस का 30 और u भी सामने ही था माइनस का 15, तो ये आ गया माइनस का 2। इसका मतलब समझे कि इसकी वजह से इमेज सामने बनी और रियल थी। अब आपने कहा सर रियल कहां थी, ये तो इसने पीछे वर्चुअल बना दिया, भाई इसने तो अपना काम कर दिया ना, इसने तो सामने रे दे दी है, अब बीच में ये आ गया तो कोई क्या करे, तो वो तो फाइनल बाद में देखा जाएगा ना, पहले इसका रोल हमने देखा कि M1 ने तो सामने रे भेजी थी, कन्वर्ज भी कर रही थी, रियल बना भी रही थी, इस मिरर को हटा दिया जाए तो ये तो अपना काम पूरा कर ही रहा है, और डबल साइज की बनेगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी इसकी वजह से। अब इसी तरह से M2 हम निकालेंगे, M2 जब निकालेंगे तो वही माइनस V बाई U, तो माइनस, अब देखिए ध्यान से देखना, V की वैल्यू हमें मिली है, सामने मिली है, साइन कन्वेंशन इसके अलग थे, तो सामने बनी है, सामने सामने, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो माइनस का 10, और ये इधर 5 है प्लस का 5, तो ये प्लस का 2 और आ गया, ध्यान रखना ये पीछे वाले के कंपैरिजन में ट्वाइस हुआ है, यानी अगर हम यहां मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो ये माइनस 2 और ये प्लस 2, यानी कि माइनस का 4, ये 4 गुना, यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर था तो ये 4 गुना होगा, ये 2 सेंटीमीटर मत कर देना, क्योंकि ये जो इमेज, इसको जो M2 का के लिए जो इमेज थी, जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट जो था वो इसने जो इमेज बनाई थी, यानी कि इसने 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 2 का बना के, इमेज 2 बना के इसको दिया, तो इसके लिए जो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर का हो गया वर्चुअल, और उसको फिर डबल कर दिया तो 4 सेंटीमीटर का हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 सेंटीमीटर का 4 टाइम्स कर दो तो 4 सेंटीमीटर आ गया, या फिर 1 बाई 1 करके निकाल लो, जैसे अगर आपने ये नोट कर लिया है यहाँ पे, या मैं इसको बीच में पहले ये ले आते आई बाई ओ, और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का ऐसे रखा हुआ था 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, तो ओ की वैल्यू प्लस वन रखेंगे तो आई की वैल्यू माइनस का 2 सेंटीमीटर होगी, माइनस का 2 सेंटीमीटर का मतलब है ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इसने जो इमेज बनाई होगी वो ऐसे बनाई होगी इसके लिए 2 सेंटीमीटर नीचे। नाउ इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, ये भी आपने नोट करना है, तो ये आ जाएगा m2, और m2 आ जाएगा माइनस का v by u और इक्वल टू i by o, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस और ये v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, u की वैल्यू प्लस का 5 जो अभी मैंने रखा था, और इमेज मुझे निकालनी है, लेट ये इमेज i1 है और अब जो इमेज है वो i2, और ये जो i1 है यही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो वो o1 कह दिया, वर्चुअल बन गया ना वो ऑब्जेक्ट, और नीचे था ये 2 सेंटीमीटर का तो मैं इसको माइनस का 2 लिख रहा हूँ, ध्यान रखना माइनस का 2। अब यहां से जो वैल्यू हमको मिली भैया प्लस का 2 मिली और ये i बाई माइनस का 2, तो ये i जो फाइनल इमेज i2 कह रहा हूँ, i2 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का 4 सेंटीमीटर आ गई, ये माइनस 4 का मतलब समझ रहे हो, 4 गुने साइज की। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो इमेज जो बनी वो कैसी आएगी, सीधी आएगी कि उल्टी आएगी, ये बताना पड़ेगा आपको, ये जो मैंने लिखा है वो विजिबल है आपको,
ये माइनस का 4 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब यहाँ जो इमेज बनी है वो 4 सेंटीमीटर की तो है, पर आपको मुझे बताना है कि वो 4 सेंटीमीटर की सीधी होगी, यानी ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, क्या आपको लग रहा है? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई अंदाजा लग रहा हो? माइनस का 4 सेंटीमीटर तो 4 गुना तो है, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर साइज हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां जो इमेज बनेगी फाइनली वो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? ऑब्जेक्ट तो हमारा ऐसे ही था, ऑब्जेक्ट तो हमारा ऐसे ही था, अब इमेज ऐसे ही आएगी 4 सेंटीमीटर की या नीचे आएगी? सब नीचे आएगी। देखो दो तरीके हैं इसको समझने के, दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि माइनस 4 सेंटीमीटर आ रही है और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ m1 into m2 -4 कर दो, तो ये -4 नेट जो आया ये माइनस बता रहा है कि पहले जो ऐसे थी उसके रेस्पेक्ट में 4 गुने साइज की और माइनस, यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो शुरू में था उसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड आएगी, माइनस साइन ये बता रहा है, क्योंकि ये फाइनल है ना इनिशियल से कंपेयर करके, तो ऐसे आएगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, दूसरे तरीके से ये देखो कि ये तो पॉजिटिव है, ये तो कुछ करने से रहा, इन्वर्ट करने से रहा, ये जो -2 आया था ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो ये था वर्चुअल वाला, वो नीचे उल्टा था और इस उल्टे का कोई साइन में चेंज नहीं होगा, तो ये इसके रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव, ये -2 है यहाँ पे और इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये इरेक्ट कही जाएगी, उल्टी और ये भी उल्टी, इसके रेस्पेक्ट में इरेक्ट हो गई, तभी तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, तभी तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये इरेक्ट हो गई, उल्टी ये भी है, उल्टी ये भी है, लेकिन जो माइनस साइन ये जो आया फाइनली वो इसके रेस्पेक्ट में जो यहां पे था इसके रेस्पेक्ट में उल्टी हो गई, यानी 1 सेंटीमीटर ऐसे था तो ये फाइनली -4 सेंटीमीटर नीचे बनेगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में उल्टी है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी है, इन्वर्टेड दोनों है तो इरेक्ट भूली जाएंगी, इसलिए ये +2 साइन आ रहा है, इसलिए +2 साइन आ रहा है। ठीक है, शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो, या तो हम डायरेक्ट यहां से कर लेते डायरेक्ट, या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बीच में अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस इसलिए कर दिया क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे तो मालूम पड़ा कि वहां कंफ्यूजन के चक्कर में आपने क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ गए, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा आसानी से कामली उसको एनालाइज करिए। ठीक है, और एनालाइज करके उसको आंसर कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर साइज तो हो गया, पर सवाल यह है कि इन्वर्टेड होगी कि इरेक्ट होगी, तो मैं कहूंगा इसके रेस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड आएगी, -4 बता रहा है, और जो ये वाली ऑब्जेक्ट वर्चुअल वाली जो है, जो इमेज थी वो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये इरेक्ट आएगी इमेज, तो ये +2 यही बता रहा है कि इससे डबल साइज की होगी, इससे डबल साइज की होगी, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, प्लस साइन क्या बता रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये इरेक्ट होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट देंगे, एक दो एग्जांपल और है इसमें जो बता देता हूं मैं आपको कैसे करने होते हैं। चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं कह रहा है एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ माइनस का 25 सेंटीमीटर है और उसको 2 हाफ में कट किया है और दोनों हाफ को थोड़ा अलग कर दिया, शिफ्ट कर दिया एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर में नीचे आप देख रहे हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 हाफ्स ऑफ द मिरर। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है और ये जो टेक्निक है, इस तरह से हमें 2 इमेज इसमें मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है? 2 इमेज मिलने वाली है और वो जो 2 इमेज होंगी इस ऑब्जेक्ट ओ से डिराइव हुई है, तो ऐसी जो इमेज बनती है वो कोहरेंट होंगी। तो इस टेक्निक से हम YDSE एक्सपेरिमेंट के लिए, YDSE एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट से 2 इमेज बना के उन दोनों इमेज को हम YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोरेंट सोर्स की जरूरत पड़ती है, आप जानते हो, तो वहां पे उन दोनों इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक हो सकती है। IIT में जो क्वेश्चन आया था उसमें लेंस को लेके आया था कि एक लेंस को 2 पार्ट में कट करके, जैसे मिरर को शिफ्ट किया वैसे लेंस के 2 पार्ट को कट करके स्प्लिट करके अलग कर दिया और उससे फिर ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बनी थी, उन्हीं 2 इमेज को लेके
पहले तो क्वेश्चन में पूछा था, दो पार्ट थे, सब्जेक्टिव पेपर आता था पहले, तो दो पार्ट में पहले पार्ट में पूछा था उन इमेज के बीच में डिस्टेंस जैसा इसमें पूछा है, फिर उन दोनों को लेके फिर क्या किया, एक आगे सामने स्क्रीन और लगा दी और YDXC एक्सपेरिमेंट करा दिया उन दोनों इमेज से, तो फिर फ्रिंज विड्थ पूछ ली गई थी। तो पहले आपको वहां पे दोनों इमेज जो बनी है वो सोर्स बन जाएंगे कोरेंट, और उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ में फॉर्मूला होता है ना कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, तो वो स्मॉल डी का डिस्टेंस दोनों इमेज के बीच में आ गया, और उन दोनों इमेज से पर्दा 2 मीटर पे रख दिया मान लीजिए, तो कैपिटल डी की वैल्यू स्क्रीन जहां पे फ्रिंजेज ऑब्जर्व करेंगे वो कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर बता दी, और लाइट की वेवलेंथ कुछ बता रखी थी क्वेश्चन में 600 या 500 मीटर नैनोमीटर टाइप की, तो वो आप लैम्डा मिल गया तो फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो आप देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन को रिलेट करके क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। मैंने आइडिया दे दिया कि इस तरह से आप कोरेंट सोर्स बना सकते हैं, दो इमेज जो होंगी वो कोरेंट बनेंगी क्योंकि एक ही सोर्स से डिराइव्ड है। ठीक है, चलिए ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये तो पहला पार्ट जो इसमें मैंने पूछा है, केवल इतना ही पूछा है, बाकी दूसरा पार्ट जो है वो लेंस वाला मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन IIT में आ चुका है लेंस को लेके, और लेंस को जो तोड़ते हैं दो पार्ट में और उनको स्प्लिट करते हैं, ये ऐसा बिलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया, तो उसको लेंस के इस तरह के कॉम्बिनेशन को बिलेट स्प्लिट लेंस भी कहते हैं। वो आगे YDSC पढ़ाऊंगा तब मैं बता भी दूंगा आपको थोड़ा सा, एक आइडिया मैंने मिरर से दे दिया। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर को स्केच कर लेते हैं। ये कह रहा है एक मिरर को बीच में से दो पार्ट में कट करके दोनों पार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ क्वेश्चन में बताई है वो 25 सेंटीमीटर है, कॉनकेव है तो -25 होगी। तो एक चीज तो ध्यान रखना, कई बच्चों के मन में एक सवाल ये भी आएगा कि अगर हम इसे कट कर देंगे तो फोकल लेंथ बदल जाएगी या नहीं बदलेगी, तो समझ लो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी पहली बात। ठीक है, फोकल लेंथ क्यों नहीं बदलती, क्योंकि फोकल लेंथ होती है रेडियस का हाफ। तो आप इस मिरर को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, रेडियस थोड़ी बदलने वाली है, क्योंकि रेडियस जो होती है, ठीक है, जो रेडियस होती है वो रेडियस उसी स्फीयर का पार्ट है जिसमें से कभी काट के इसको बनाया गया था। मैं थोड़ा फिगर को इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। सामने ऑब्जेक्ट आप देखें फिगर में, ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रखा है और दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इधर से 50 सेंटीमीटर पे, और क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि जो इमेज बनेंगी वो कितनी दूरी पर होंगी, दो ही इमेज बनेंगी। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे सबसे पहले फोकल लेंथ में दोनों की में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि रेडियस नहीं बदली है, और भी छोटा कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज जो समझने की है कि जब कभी लेंस को ऐसे कट किया जाता है तो ध्यान देना, ये जैसे स्फीयर था जिसमें से ये लेंस मिरर बनाया था हमने कट करके, ये मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो मैंने हटा दिया, समझ लो एक बात, काम की बात बता रहा हूं। ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो इसके सेंटर से गुजरे। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको बीच में से और कट कर दिया, तो आधा हिस्सा ये बचा और आधा हिस्सा ये बचा। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस इसके साथ चली गई और इसके साथ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को बीच में से आपने चीर दिया, ऐसे कह रहा हूं मैं, चीर दिया मतलब कट कर दिया, तो इसके साथ आधे हिस्से के साथ चलेगी और इसमें आधे हिस्से के साथ चलेगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन देख रहे हो और नीचे वाली डॉटेड लाइन, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दोनों की अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस हो गई PA, और ये भी आपका PA। तो इस वाले पार्ट की प्रिंसिपल एक्सिस ये रही और इस वाले पार्ट की ये रही। लेकिन इसमें और एक अच्छा सवाल बन सकता है कि अगर मैं इसको यहां से कट ना करके, वही स्फीयर है ये इसका पार्ट था, आपने बीच में से कट मारा कि ऐसी लाइन गई जो सेंटर से गुजरी, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुनना, अगर आप इसको यहां से कट करते हैं तो आप समझ रहे हैं ये जो लाइन है ये सेंटर से गुजर रही है, ये डायमीटर भी है उसी स्फीयर का, लेकिन अगर आप यहां से कट करेंगे तो ये डायमीटर नहीं है ना ही सेंटर से जा रहा है, ये तो कॉर्ड है। तो ध्यान रखना, अगर ये मिरर था, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, ये मिरर है और इस मिरर में से आपने इस मिरर को ऐसे कट कर दिया तो आप देखिए सेंटर तो नीचे छूट गया। तो इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये वाली जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस वही होती है जो सेंटर से गुजरेगी। अब आपने कहा फिर कैसे करेंगे, इसमें मैं आ रहा हूं लेकिन एक सिचुएशन बता रहा हूं, उसको भी आप कर लोगे अगर ये मेरी बात समझ लोगे। तो देखो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, पहले इससे समझो, ये वाला पार्ट इतना बचा, ठीक है, मुझे दूसरा पेन लेना होगा,
ये वाला पार्ट ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहां सेंटर था, यही रहेगा ध्यान रखना इसके लिए। और ये वाला जो पार्ट है उसमें तो दो हाफ में बांटा है, लेकिन इसमें दो टुकड़े हैं लेकिन बराबर नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला इतना, इसकी ये वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस यही होगी। तो इसके लिए भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो सेंटर था ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, ध्यान रखना, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान ली यहाँ ऐसी लाइन खींच दी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा भी हो, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, तो हम ऐसे मान सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से इतना ऊपर है। ऐसे ही इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, लेट इस लाइन का नाम ए बी है, इस वाली लाइन का नाम ए बी है, और ये आपका पी सी है। तो इसकी पी सी वाली लाइन ये हो गई और ए बी वाली लाइन ये हो गई। इसमें अगर हम देखें तो इसकी ए बी वाली लाइन ये हो गई और इसकी पी सी वाली लाइन ये हो गई। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओ यहाँ रखा हुआ है, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कह सकते हो ऐसे करके, और इसमें इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसमें भी ऊपर ही है प्रिंसिपल एक्सिस से। यहाँ पे कहानी थोड़ा अलग हो गई क्योंकि आपने बीच में से काटा है, बिल्कुल बीच में से, तो इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग चली गई। अब आप इसको एक अलग मिरर मानेंगे, इसको एक अलग मिरर मानेंगे, और इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नीचे है, ये ऊपर वाले के लिए ऑब्जेक्ट नीचे है। और ध्यान से देखना क्योंकि फोकल लेंथ बदली नहीं है, तो इसका सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला नहीं है, तो ये 50 सेंटीमीटर पे, यानी मैं कह सकता हूं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से आधा सेंटीमीटर नीचे है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आधा सेंटीमीटर नीचे है एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर के डिस्टेंस पे। आपने ये कहा कि सर सेंटर तो यहाँ होगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हम ऐसा सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि आधा सेंटीमीटर लंबाई का एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर पे, यहाँ ये सेंटर है, सेंटर से नीचे लटका हुआ है आधा सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ऐसा सोच सकते हो। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, ये सेंटर यहाँ होगा, इस वाली ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर यहाँ होगा, सेंटर से आधा सेंटीमीटर लंबाई का ऑब्जेक्ट, ऐसे सोच सकते हो कि आधा सेंटीमीटर लंबाई का ऑब्जेक्ट नीचे लटका हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस से, और कितने डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर पे। तो हम जानते हैं कि 50 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज यानी सेंटर की इमेज कहां बनती है, सेंटर की इमेज कहां बनती है, सेंटर पे बनेगी सर, सेंटर पे बनेगी। और रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, अरे मैं कह रहा हूँ रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी। और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल। और अगर ये ऐसे है तो इसकी इन्वर्टेड ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस सर। और सेम साइज की बनेगी कि बड़े छोटी बनेगी, यस सेम साइज की। ये ऑब्जेक्ट वो है आधा सेंटीमीटर नीचे, तो मैं कहूंगा इसकी इमेज इतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी आई वन, और कितनी हाइट पे बन जाएगी, सेम साइज की मैं कह रहा हूँ, यानी आधा सेंटीमीटर, ऐसे सोच सकते हो। और जो काम हमने इधर किया है इसके लिए सेम यहाँ करेंगे, मैं कहूंगा यहाँ से सेंटर है इसका, ये लेट मी से इसका सेंटर सी वन और इसका सेंटर सी टू है, तो वो एक ही 50 सेंटीमीटर में, इसके केस में मान सकते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, आधा सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ था, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज सेंटर पे ही बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड सेम साइज की बनेगी, तो ये ऊपर है तो इसकी इमेज नीचे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बोलो एग्री करते हो? यस सर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो दो इमेज बनी है ये कितने डिस्टेंस पे होंगी, तो आधा सेंटीमीटर तो ये, एक सेंटीमीटर पूरा ये और आधा सेंटीमीटर ये, इस तरह से दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, दो सेंटीमीटर हो गया। ये एक इमेज बन गई, ये इमेज। अब क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दो, यानी ऑब्जेक्ट से लाइट इधर ना जाए। अब ये जो इमेज बनी इनसे तो लाइट निकल रही होगी, यही फिर यहाँ एक स्क्रीन लगा दो YDSE एक्सपेरिमेंटली, यहाँ एक स्क्रीन लगा दो, तो ये I1 I2 कोहरेंट सोर्स हो गए, और इस डिस्टेंस को आप d मान सकते हैं। याद आ रहा होगा बीटा का जो फॉर्मूला होता था d λ/d फ्रिंज विड्थ का, तो इसमें ये d पता लग गया, लैम्डा आपको बता देगा सोर्स से जो लाइट निकली। अच्छा यहाँ कार्डबोर्ड इसलिए लगाया, नहीं तो फिर एक यहाँ से भी तो लाइट जाएगी,
तो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, ये यहाँ से ऐसे गई टकरा के यहाँ इमेज बन गई, अब इससे कार्डबोर्ड केवल इतने में लगाना है या ऑब्जेक्ट को बस यहाँ से कवर कर दो, इधर रह जाए, इधर जाने दो और इधर से इमेज बन जाएगी, फिर यहाँ पे स्क्रीन लगा दो, ये डिस्टेंस कैपिटल डी होगा, 1 मीटर 2 मीटर टाइप का दे देगा, तो ये फिर इस तरह का एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे लास्ट वाला जो क्वेश्चन एक दिया है वो तो आप कर लोगे, मैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता हूं क्वेश्चन में। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, एक मिरर है यहाँ पे और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये कुछ डिस्टेंस दिया है, मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं मिरर को भी चला देता हूँ, ठीक है, और मिरर की कुछ फोकल लेंथ वगैरह दे दी है, तो मैं उस क्वेश्चन पे नहीं जाता, लास्ट वाला 14 मैं अपनी तरफ से डाटा ले लेता हूँ। मान लो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और माइनस होगी, कॉनकेव दिखाया मैंने, ये ऑब्जेक्ट मान लो 30 सेंटीमीटर पे है और इसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, या मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सपोज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला आता है ना, वी आई इक्वल्स टू माइनस एम टी स्क्वायर वी ओ, ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आता है, इंस्टेंटेनियस यानी जिस इंस्टेंट पे दिखाया है उसी इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार स्पीड वो चल रहा है तो लगातार पोजीशन बदलती रहेगी, तो वी और यू की वैल्यू बदलती रहेगी तो एम टी भी बदलता रहेगा, तो ये जो वैल्यू आती है वी आई की वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में शुरुआत में ही आपको एक्सरसाइज में वो उसकी थ्योरी में एक सॉल्ड एग्जांपल मिलेगा इमेज की वेलोसिटी के लेके, हो सकता है तीसरा या चौथा एग्जांपल होगा ऑप्टिक्स वाले में, सॉल्ड एग्जांपल कह रहा हूं, वो एग्जांपल इसी तरह का है कि इमेज की वेलोसिटी निकलवाइए, लेकिन वहां पे मैं बता दूं वो वेलोसिटी वर्ड यूज किया है, लेकिन जो जिस तरीके से निकाली है वो एवरेज वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका अलग है, और मैं यहां बताऊंगा आईआईटी में दो चीजें बता देता हूं। अब क्योंकि ऑप्टिक्स चल रहा है तो ऑप्टिक्स में मैं इतनी साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कहां कैसे सवाल है, कौन सा सवाल सही है कौन सा गलत है, तो एनसीईआरटी में जो तरीके से बताया है मुझे वो तरीका बिल्कुल सही नहीं लगा जिस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए तरीका ठीक है। इसी में दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन एएमयू में आया हुआ है इसी तरह का वेलोसिटी का, और वो क्वेश्चन एकदम गलत सॉल्व कर रखा है, चारों ऑप्शन में गलत दे रखा है, और मुझे पता है वो क्वेश्चन आप पूछोगे जरूर, जब पूछोगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि हर बच्चा पूछेगा भी नहीं, अब मुझे भी याद नहीं कि वो एम, ये तो मुझे पता है कि एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में आया है, हर साल वो क्वेश्चन बच्चे डाउट में पूछते जरूर हैं, तो मुझे याद तो है कि एएमयू पर वो क्वेश्चन किस सोर्स से है मुझे भी पता नहीं, बच्चे पूछते रहते हैं और आएगा तो मैं शेयर भी करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछी है और एवरेज वेलोसिटी जो निकाली है वो गलत, एवरेज निकाली है इंस्टेंटेनियस, लेकिन जो भी है गलत है, उसमें आंसर भी गलत दे रखे हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया है आईआईटी में, आईआईटी एडवांस में, उसमें भी एवरेज वेलोसिटी पूछी है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने कभी पुट अप करूंगा, तो उसमें सही तरीके से बताया गया है, एवरेज वेलोसिटी अलग तरीके से निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस, ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का, इससे एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो तरीका क्या होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक मैं बता ही देता हूं, चलो इस पे तो आऊंगा मैं थोड़ी देर में, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए एवरेज निकाल रहा हूँ, आपको सही तरीका बता रहा हूँ और इस पे क्वेश्चन सपोर्ट में बता रहा हूँ, एससी वर्क उसमें आईआईटी में आ चुका है, लेकिन एएमयू में जो क्वेश्चन जो दिया था एंट्रेंस का वो एकदम गलत दे रहा है, क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर जो दे रखे हैं जिस तरीके से निकाला है वो गलत है, एकदम गलत है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब मुझे इतना याद नहीं कि उसमें इंस्टेंटेनियस पूछा है कि एवरेज, अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रखा है तो एवरेज निकाल दिया उसने जो गलत है, और एवरेज पूछा है तो इंस्टेंटेनियस शायद निकाल दिया जो कि गलत है, दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये इंस्टेंटेनियस है, अगर आपको निकालना और आपको बात समझ में भी आ रही होगी, एम टी की वैल्यू वी बाई यू होती है, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वी और यू लगातार बदलते रहेंगे, यू बदलेगा तो वी भी बदलेगा, तो ये वैल्यू बदलेगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग आएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो फिक्स है। अब सवाल आता है कि अगर एवरेज पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं एवरेज में भी वही चल रहा है इंस्टेंटेनियस में भी वही चल रहा है, नहीं, बहुत अच्छा हुआ क्वेश्चन आया मुझे याद आ गया, तो अब देखिए अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये मिरर है इसकी फोकल लेंथ कुछ दे रखी होगी 20 सेंटीमीटर व्हाटएवर कुछ इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना एवरेज कैसे निकालते हैं, और यही सही तरीका जो मैं बता रहा हूँ, जो किताबों में दिया है वो मुझे नहीं लगता सही है, मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है शुरुआत में तीसरा चौथा एग्जाम्पल शायद होगा, देख लेना सॉल्व एग्जाम्पल है, मान के चलिए ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है
20 सेंटीमीटर है या मान लो 40 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं 40 है या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है 30 सेंटीमीटर, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कितने से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर आपसे पूछता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो यहां पे आप वी ओ 5 सेंटीमीटर समझ लो, दोनों में बताऊंगा आपको एवरेज कैसे निकाला जाएगा और इंस्टेंटेनियस कैसे निकाला जाएगा, अच्छे से समझ लेना, दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे, अंतर आएगा, बाकी मानना ना मानना आपकी चॉइस है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी सवाल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, हर तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। वी आई की वैल्यू निकालना है, ये 5 सेंटीमीटर वी ओ, और ये जो एम टी स्क्वायर है, तो एम टी स्क्वायर की वैल्यू को एफ अपॉन एफ माइनस यू कर लो, क्यों, क्योंकि हमें यू पता है, फोकल लेंथ पता है। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं मैं, इसी समय पर जब ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इसी समय पे इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं, ध्यान रहे। तो अब ये यहां पे माइनस का 20 माइनस, और ये सामने है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 प्लस का 30 इंटू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, ये बीच में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, तो माइनस, और देखो भैया 30 माइनस 20 10 बचा, ये 2 बचा और इसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 20 और 4 और 5, यानी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड हो गई माइनस की, ध्यान रखना ये इंस्टेंटेनियस आई, समझ में आया। एक तो कुछ है नहीं इसमें, एमटी की वैल्यू का फॉर्मूला मैंने ये यूज कर लिया, आपने कहा वी वाई यू क्यों नहीं किया, वी निकालना पड़ता, फिर फालतू कैलकुलेशन करनी पड़ती, माइनस 20 ये प्लस का 10 तो माइनस का 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज अपोजिट डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, बोलो। यस सर, ठीक है। अब बात आती है, ये तो आ गई इंस्टेंटेनियस, ये आ गई इंस्टेंटेनियस, और मैं आपको बता रहा हूं एवरेज आपको मिलेगा नहीं, एवरेज जो मैं बता रहा हूं, एवरेज को लेके बच्चा कंफ्यूज रहता है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और इसी तरह का दे दिया है, तो मैंने तो बहुत साल से देखा ही नहीं, वो मुझे गलत लगा, तो मुझे याद भी नहीं एग्जैक्ट क्या है, पर हाँ है, वहां दे रखा है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं एएमयू वाला बता रहा हूँ, आप में से कोई ना कोई बच्चा मेरे सामने पुट अप करेगा, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा वो किस बुक में दे रखा है, ठीक है। आईआईटी वगैरह का क्वेश्चन तो क्या प्रीवियस ईयर के आईआईटी के पेपर पड़े तो वहां से मिल जाएगा, बट मैं यहां बता रहा हूं आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एएमयू वाला वो जो क्वेश्चन है उसमें चारों ऑप्शन गलत है, तो आपको अगर ये बात समझ में आ जाए कि हाँ सबने क्लास में कहा था ये वाला क्वेश्चन कहा होगा पक्का, इसका आंसर गलत आ रहा है, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना, वही आंसर होगा, फिर पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आती है बात एवरेज अगर निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट को चला के देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट एक सेकंड पहले यानी अभी t इक्वल टू 0 पे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो पहले ये 30 सेंटीमीटर पे था और एक सेकंड के बाद ये 25 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। अच्छा फोकल लेंथ 20 है तो मैं ये कह सकता हूं फोकस पे अभी भी नहीं पहुंचा, फोकस यहां है और इसका सेंटर यहां है, तो आपको इमेज का अंदाजा लग रहा है, एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। तो देखो ऑब्जेक्ट की पहले पोजीशन ये थी, ये 30, अब ये 25 होगी एक सेकंड के बाद, और इमेज की लोकेशन यहां कहीं होगी, देखो ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रही होगी, और दूर स्पीड भी ज्यादा है तो दूरी होगी, तो अब इमेज यहां कहीं होगी पहले, दैट मैंने ये कहा O1 पहली पोजिशन, O2 दूसरी पोजिशन, और O1 के करस्पॉन्डिंग I1 और फिर O2 के करस्पॉन्डिंग I2। आपको मेरी बात समझ में आई कुछ, पहले ये जो मैं बता रहा हूं? Yes, sir. अब देखिए ये O1 और O2 यानी एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर ये चला है, तो मुझे केवल ये पता करना है कि ये एक सेकंड में ये इमेज कितना चली होगी, वो एक सेकंड में यानी पर सेकंड, वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, जो ये डिस्टेंस आएगा वॉट एवर एक्स आया, तो एक्स पर सेकेंड हो गया ना एक सेकेंड में, वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने चला 5 सेंटीमीटर, ये मतलब हुआ तो वो 30 से 25 पे आ गया, तो इमेज इसके करस्पॉन्डिंग 30 के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे थी,
और 25 के करस्पोंडिंग कहां पे होगी, वो डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो एक सेकंड में आएगा, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। तो अब इसके लिए आपको दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी I1 और I2 निकालने के लिए, यानी ये जो डिस्टेंस है ये V1 और ये वाला जो डिस्टेंस है V2, निकाल के डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन F, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है प्लस का, सॉरी माइनस का, ठीक है माइनस का, और इमेज मुझे निकालनी है और माइनस ऑब्जेक्ट सामने ही कितने पे 30 पे, ये V1 आएगा। अच्छा V1 आएगा, मैं जानता भी हूं कि V1 की वैल्यू सामने है इसलिए नेगेटिव आएगी, पर वो माइनस साइन जब मैं माइनस करूंगा तो उस पर ध्यान मत देना, सिंपल सोचना है ये कितना है और ये कितना, अंतर निकाल लेंगे, वो माइनस को लेके बेकार का कंफ्यूजन और हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन V1 ये इधर लाएंगे 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 20, तो ये 20 30 10 60 600 V1 की वैल्यू माइनस का 60 आ गई, यानी ये जो डिस्टेंस आया भैया ये 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है 60 सेंटीमीटर। एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं फिर से, 1 बाई एफ 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ माइनस का 20, 1 अपॉन वी टू और माइनस का 25, अब 25 पे पहुंच गए, तो फिर जब सॉल्व करोगे आप वी टू इक्वल्स टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 20 सॉल्व करोगे तो ये 500 और ये 25 माइनस 20, ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, ये 500 हो गया तो ये 20 और ये 25, ठीक है तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 बचा 500 माइनस का 100, कुछ आया समझ में या सब ऊपर से गया, पहले ऑब्जेक्ट जब 30 पे था तो इमेज 60 पे बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट एक सेकंड के बाद O2 वाली पोजीशन पे यानी 25 सेंटीमीटर पहुंच गया तो इमेज 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पे आ गई, 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पे आ गई, तो इमेज कितना चली भैया 40, कितनी देर में, एक सेकंड, एक सेकंड में, यानी कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई जानते हो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप ये निकालते आंसर 20 वाला तो सही होता या गलत होता, गलत होता, गलत। अब आप मुझे बताइए कि किताबों में ये इस तरह से सॉल्व किया, मैं आपके निर्णय पे छोड़ता हूं, आपको डिसाइड करना है कि ये आपको अगर समझ में आया होगा तो आपको ये बात भी अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, एवरेज वेलोसिटी यही सही तरीका है निकालने का, ये तो इंस्टेंटेनियस आती है और निकाल लिया जाता है, कई किताबों में देखा ऐसे निकाल देते एवरेज, पूछा एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगा रहे, एवरेज का मतलब है कि कुछ टाइम इंटरवल होता है ना एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पर और एवरेज का मतलब ड्यूरिंग सम इंटरवल, तो वो इंटरवल अगर लोगे भी तो कम से कम कुछ टाइम तो लोगे, एक सेकंड ले लिया, एक सेकंड में ये 5 सेंटीमीटर चल रही है तो इमेज 40 सेंटीमीटर चल रही है एक सेकंड में, इमेज 40 सेंटीमीटर चल रही है एक सेकंड में तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस कुछ और होती है, एवरेज कुछ और होती है, ठीक है आप चाहो तो नोट कर लेना। हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये डिस्टेंस किसी समय 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 है, और मान लो मिरर भी चल रहा है और मिरर की स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, थोड़ा सा टफ कर दिया, जो क्वेश्चन शीट में दिया है ना वो तो इजी है, सीधे फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले में रखना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से बताता हूं। हाँ भैया हो गया नोट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए हम इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है वेलोसिटी ऑफ इमेज केवल इतना लिखा है, तो आपको फिर ये इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी होगी, ध्यान रखना, ठीक है वेलोसिटी ऑफ इमेज केवल लिखा है तो मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब कहे कहे ना, और अगर कह रहा है तो बताएगा ग्राउंड है कि मिरर के रेस्पेक्ट में कि ऑब्जेक्ट के, तो वो रिलेटिव मोशन आप इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और मिरर भी चल रहा है,
तो यहां हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, समझ लो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले को लेके एक छोटी सी बात और आपको जाननी चाहिए कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होता है, ठीक है। उस समय तो जरूरत नहीं थी तो मैंने क्लियर नहीं किया, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत है कि ये जो फॉर्मूला है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, या विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कह लो, या विद रेस्पेक्ट टू मिरर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब मिरर रेस्ट में हो, जब मिरर रेस्ट में हो, और मिरर रेस्ट में ग्राउंड रेस्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कह लो या मिरर की रेस्पेक्ट में कह लो, एक ही बात है। तो अभी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब मिरर रेस्ट में हो, या मैं कहूं कि मिरर में बैठ के हम देखें, ठीक है, ग्राउंड कह लो, या मतलब अभी तो चल रहा है, लेकिन ये जो है तब है जब मिरर रेस्ट में हो, और मिरर रेस्ट में नहीं है तो मिरर को रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर में ही बैठ जाएंगे, मिरर में ही बैठ जाएंगे और मिरर में बैठ के देखेंगे, ठीक है। मिरर में बैठ जाएंगे तो मिरर हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेस्ट में, तब ये फॉर्मूला मिलेगा। तो पहले हम यही काम करने जा रहे हैं कि पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर निकाल लेते हैं, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को यहाँ इसमें मिरर में, ठीक है, ये लटक गया इसमें, बस में जैसे लटक के चलते हैं वैसे मिरर में लटक गया ये ऑब्जर्वर, ठीक है, ये लटक के ऑब्जर्व करा, तो इसके लिए मिरर कैसा हो गया, ये मिरर कैसा हो गया, रेस्ट में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मिरर में बैठ के जब देखेगा तो इसे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या नजर आएगी बताओ, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। तो पहले ये समझना ये विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक। तो अब यहां पे मैं फिगर को दोबारा से स्केच करूंगा, और मैंने क्या किया, मैंने मिरर में एक ऑब्जेक्ट, मिरर में एक ऑब्जर्वर यहां, ठीक है, ये इसमें है, और ये मिरर अब हमारे लिए कैसा हो गया, रेस्ट में, सिचुएशन को दोबारा से देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ओ की वेलोसिटी, मिरर वाली वेलोसिटी मैंने पहले ही बताया, जिसमें बैठ जाते हैं उसकी जो भी होती है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसको रिवर्स करके दे देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो 2 और 1 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। अच्छा, ये डिस्टेंस में तो कोई चेंज अभी आया नहीं है, क्योंकि इसी इंस्टेंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर ही। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये करेंगे, ठीक है, आसानी से डील कर लोगे, मिरर में बैठ जाओ, बाद में फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल देंगे। तो देखिए ये आ गया माइनस फोकल लेंथ माइनस का 10 माइनस और यू की वैल्यू सामने है तो माइनस और आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर 3 हो गई, ठीक है। तो ये देखिए 30 माइनस 10 20 और ये कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस का हाफ बचेगा, बोलिए माइनस का हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4 यानी 3/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बात समझ में आई क्या, ये 10, ये आपका 20 बचा प्लस का, ये माइनस का 10, 0 से 0 चला गया, 1/2 माइनस का, और स्क्वायर करेंगे 1/4 3, तो 3/4। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर आई है, लेकिन वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिमांड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले ये एक चीज पता लग गई। नाउ हमने ये पढ़ा है रिलेटिव मोशन में कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव मैंने आपको खूब समझा दिया पीछे। मुझे ये चाहिए, ये मेरे पास आ चुका है और ये पहले से था, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये वाले को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ध्यान रखना ये वेक्टर में रखना होता है क्योंकि इसमें साइन और डायरेक्शन जरूरी है, साइन का ध्यान रखना जरूरी है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की वेलोसिटी। अच्छा, सहूलियत के लिए हम एक काम और कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो सामने है पर फिर भी अगर आप चाहो तो इसे एक्स एक्सिस या फिर आप इसे आई कैप मान लो, ठीक है, क्योंकि जो भी मोशन हो रहा है वो इस लाइन के अलोंग हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये वेलोसिटी अगर हम इसमें वेक्टर लगा लें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर में 3 है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये आई कैप आया भैया,
ध्यान से समझना इस बात को, ये आई कैप आया ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और ये माइनस साइन है तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ये इसको मैं इधर ले आया, तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर ये आया, ये आपका माइनस का 3/4 आई के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 सेंटीमीटर है और इधर है नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो मैं क्या लिखूं यहां पर, 1 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स की तरफ है मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर नहीं, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर है नेगेटिव एक्स की तरफ है, यहां क्या आएगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आवाज साफ नहीं आ रही, बोलो। ये भी नहीं बता पा रहे ये पॉजिटिव एक्स है ये नेगेटिव एक्स है, 1 सेंटीमीटर है माइनस आई, और ये आपका माइनस वन है, माइनस का 3/4 है, माइनस का 7/4 आई कैप आ गया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसको ये भी कह सकते हैं 7/4 सेंटीमीटर, 7/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किधर, लेफ्ट में। ये माइनस साइन जो बता रहा है, माइनस बता रहा है कि इमेज की वेलोसिटी 7/4 सेंटीमीटर होगी और किधर होगी, लेफ्ट में होगी, ये आ गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी कभी अगर मिरर वगैरह चला देना तो आप मिरर पे बैठ जाना और इसी फॉर्मूले को विद रेस्पेक्ट टू मिरर की तरह यूज कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यही रोकेंगे, काफी टाइम हो गया जितना कहा था। ठीक है, कल अपने यूजुअल टाइम पे क्लास होगी, कल यूजुअल टाइम पे क्लास होगी, और क्लास का टाइम वही 7 to 8:30 है। ठीक है, और यहां तक किसी का कोई अगर डाउट आ रहा हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हो।